Now शुरू करें जी, शुरू करें। ओके आदाब, आज की जो खास नशिस्त है जो के हबीब यूनिवर्सिटी और एग्जिटर यूनिवर्सिटी के तावन से मुनक़िद की गई है वो जनाब नासिर अब्बास नय्यर की किताब नई किताब पर है। लेकिन उसके पहले मैं एक बतौर एक तमहीद एक बात करना चाहूँगा कि आज से हम एक सिलसिले गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं इस मौजू पे कि फ़लसफ़ा अदबियात, फ़लसफ़ा अदबियात में जो रब्त है उसकी हकीकत, उसके पहलू, उसके मकासद पाकिस्तान में क्या होते हैं। और ये एक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जो हबीब यूनिवर्सिटी और एग्जिटर यूनिवर्सिटी इसमें कोऑपरेट कर रही है कि आज के दौर में मुसलमान ममालिक में बिलखसूस पाकिस्तान, टर्की, ईरान, इराक में फ़लसफ़ा क्या है, कैसे उसके इसके यानी मकासद और मफाहिम उभरे हैं और बदले हैं इस जदीद दौर में, और उसके किस किस्म के वो रुझान हैं और किस तरफ वो तब्दीली और तरक्की की तरफ बढ़ी है। तो इस मौजू पर हम मज़ीद, जैसे मैंने कहा है, गुफ्तगू करेंगे आइंदा नशिस्तों में इंशाल्लाह, शायद एक दो हफ्ते के बाद शुरू करेंगे। उसका प्रोग्राम भी हम फेसबुक पर लगाएंगे ताकि सब उसमें शरीक हो सकें। तो इस मुख्तसर से ऐलान के बाद मैं वापस माइक जनाब नौमान नकवी को देता हूँ ताकि हम आज की नशिस्त शुरू करें। शुक्रिया सज्जाद। आदाब। हमारी इस मुख्तसर नई सीरीज के इस पहले प्रोग्राम में तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। मेरा नाम नौमान नकवी है और मैं यहाँ हबीब यूनिवर्सिटी के शोबा बराए तकाबली अदबियात में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात भी है और अलमिया भी है कि मुझे कई ऐसी शख्सियतों का तारुफ कराना है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सबसे पहले तो जाहिर है ज़ेरे गुफ्तगू तनकीद की नई किताब जदीदियत और नौआबादियात यानी मॉडर्निटी एंड कलोनियलिज्म, जदीदियत और नौआबादियात, उर्दू अदब में जदीदियत, यूरोप की जदीदियत और नौआबादियाती जदीदियत के तसव्वुरात का मुतालिया। इसके नामवर मुसन्निफ जनाब डॉक्टर नासिर अब्बास नय्यर साहब जो जामे पंजाब में उर्दू के प्रोफेसर हैं और लम्ज में भी पढ़ाते हैं। जनाब की हैसियत अलबत्ता इन इदारती हवालों से कहीं ज़्यादा है और वो है बहैसियत मुसन्निफ। जनाब कई असनाफ में तबाह आजमाई करते हैं चूँकि नासिर साहब उसी रफ्तार से कुतुब तसनीफ करते हैं जिससे मैं आप पढ़ते हैं, चुनाचे उनकी तमाम किताबों की फहरिस्त पेश करना तो यहाँ महाल है। मगर प्रोफेसर साहब माशाल्लाह अब उर्दू में तनकीद की 15 कुतुब और अंग्रेज़ी में एक किताब शाया कर चुके हैं। अफसानों के 4 मजमूए, एक सफ़रनामा, एक इंशाइये का मजमूआ और एक तर्जुमा। गुमान होता है कि नासिर अब्बास नय्यर किसी इंसान का नहीं किसी इदारे का नाम है, या तख्लीकी अदब को भी शामिल किया जाए तो किसी जिन का, यानी ऐसा भला जिन, यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है, ऐसा भला जिन जो कारियों की अक्ल और दिल दोनों की ख्वाहिशात अपने सहर के जोर से पूरी करता है। चूंकि आज ज़ेरे गुफ्तगू उनकी ताज़ा तरीन तनकीदी किताब है चुनाचे मैं फ़िलहाल उनकी चंद तनकीद की कुतुब का जिक्र करूँगा। नासिर अब्बास नय्यर नामी जिस इदारे का मैं पहले जिक्र कर रहा था उसका एक बड़ा काम जदीद नौआबादियात की तहकीक, तज्जिया और तलाफ़ी है। एक ऐसे माशरे में जहाँ हमारी तारीख का ये सबसे अहम दौर जिसके बगैर हमारी जदीदियत, हमारी मौजूदा सूरत हाल को समझा ही नहीं जा सकता, ये एक बहुत बड़ी खिदमत है, इल्मी खिदमत। जिन किताबों का मैं जिक्र करने वाला हूँ अगर ये हमारे आम निसाब में शामिल हों तो आज हर तरफ छाए हुए तजब्जुब और तशद्दुद की काली घटाएं बहुत हद तक छट जाए। 2013 में ऑक्सफर्ड से छपी माबाद नौबादियात उर्दू के तनाजुर में, जो उस सिलसिले की एक अहम कड़ी है जिसकी ताज़ा तरीन किस्त आज की ज़ेर गुफ्तगू किताब है, 2016 में ऑक्सफर्ड से ही शाया हुई उर्दू अदब की तश्कील जदीद, जो कि मेरे पास यहाँ मौजूद है, उर्दू अदब की तश्कील जदीद, नौआबादियाती और पस नौआबादियाती अहद के उर्दू अदब के मुतालियात। अगले ही बरस यानी 2017 में आई
उसको एक शख्स समझना तो मुनासिब ही नहीं। मीरा जी की नज़म और नसर के मुतालियात, ये भी ऑक्सफर्ड से 2018 में संग मील से शाया हुई। नज़म कैसे पढ़ें, और अब 2021 में आई है जदीदियत और नौआबादियात, जिस पर हम मुज़ाकरा करने आज जमा हुए हैं। आज की गुफ्तगू के बाकी पैनलिस्ट भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे दौर के दो चोटी के शायर, अदीब और मौलिम जनाब अफजाल अहमद साहिब और डॉक्टर तनवीर अंजुम साहिबा हमारे साथ हैं, जो मेरे साथ यहाँ हबीब यूनिवर्सिटी के शोबा बराए तकाबली अदबियात या इंसानियात, कंपेरेटिव ह्यूमैनिटीज यानी, में पढ़ाते हैं। उनकी भी तसनीफात की फहरिस्त का कुछ ऐसा ही हाल है। फिर डॉक्टर शाज़ेब खान हैं, जो जामिया पंजाब के इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, रद्द नौआबादियात फ़िक्र के माहिर हैं और बड़े ही सच्चे पुरखलूस और गहरे आलिम और मुफक्किर हैं। आखिर में आज की साजिश में हमेशा की तरह मेरे शरीक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जिटर के इंस्टीट्यूट ऑफ अरब एंड इस्लामिक स्टडीज़ के डॉक्टर सज्जाद रिजवी हैं। आज जिस किताब पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, उसका कोई ख़ुलासा मुमकिन नहीं। गुज़िश्ता कई सदियों कि सिर्फ हमारी इलाकाई ही नहीं, गुंजलक आलमी तारीख को भी ये किताब अपने अहाते में लिए हुई है, जो माबाद नौबादियाती तनकीद का खासा है और जिसमें अदब, फलसफा, इखलाकियात, शेरियात, लसानियात के साथ साथ सियासी और इक्तिसादी पहलू भी शामिल हैं। नाज़रीन की सहूलत के लिए मैं किताब की पुश्त पर छपा खुलासा पढ़ दिए देता हूँ। ये किताब जदीदियत और नौआबादियात के पेचीदा रिश्ते को उर्दू अदब के तवस्सुत से समझने की कोशिश करती है। किताब में जदीदियत को अव्वलन एक आफाकी ज़हनी रवैये के तौर पर ज़ेर बहस और नक़्ल लाया गया है। मसलन मगरबी जदीदियत से कहीं पहले बुद्ध, अलमारवी, इब्न तुफैल, बेदिल और गालिब के यहाँ जदीद रवैये कार फरमा हैं। जदीद ज़हनी रवैया जब मखसूस तारीखी इदारा जाती सूरत इख्तियार करता है, तो यूरोपी और मगरबी, अफ्रीकी, लातीनी अमरीकी, मशरकी जदीदियतें सामने आती हैं। इसी तरह फलसफियाना जदीदियत और फ़नून में ज़ाहिर होने वाली जदीदियत में भी फ़र्क है। इस किताब में ज़्यादा तवज्जो जमालियाती जदीदियत पर है। मगरबी जदीदियत में सनवियत एक अहम यानी बाइनरी थिंकिंग मगरबी जदीदियत में सनवियत एक अहम अंसर है। इससे अर्ज व समा को छानने, मुजाहिर से कशमकश, उनकी तस्खीर और बिलाखिर अलमिया पैदा होता है। जबकि दूसरी जगहों पर जदीदियत दुनिया का तसव्वुर सनवियत की रौ से लाजमन नहीं करती। इससे तनो और फिर हम आहंगी पैदा होती है और आसमानी तखय्युल को महमेज मिलती है। नौआबादियाती अहद में उर्दू का सामना यूरोपी कम और नौआबादियाती जदीदियत से ज़्यादा हुआ। उर्दू की जदीदियत खुद को कौमियत से अलग नहीं कर सकी। ताहम पहले वह कौम का इस्तस्नाई मजहबी फिर सकाफती तसव्वुर वज़ा करती है। 60 की दहाई में उर्दू जदीदियत नौआबादियाती जदीदियत से आज़ादी पा लेती है। वो खुद अपनी नज़र से इंसान की नफसी और खारजी दुनिया को देखती है और नए मकामी असालीब वज़ा करती है। अच्छा, इस किताब में लातादाद बसीरत आमेज नकात बिखरे पड़े हैं। मजामीन की नौयत का अंदाज़ा अबवाब की फहरिस्त से लगाया जा सकता है, जो मैं गुफ्तगू के पैराए को समझने में आपकी सहूलत की खातिर उनका कुछ जिक्र करता हूँ। पहला पेश लफ्ज और मुकदमे के बाद पहला बाब है यूरोपी जदीदियत, नौआबादियात और उर्दू जदीदियत। फिर बेदिल पर एक बाब है। फिर अंग्रेज़ी इस्तेमार और गालिब की जदीदियत, गालिब पर ये बाब। नौआबादियाती जदीदियत की सुबह और मशरकी उलूम की शाम, उर्दू का। और फिर अगला पांचवा बाब जो है उर्दू में क्लासिकियत और जदीदियत के मबाहिस, और आखिर में इंसानी इख्तियार के असबात और नफी की कशमकश। गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं किताब के अंदाज और उसकी लज्जत का एक लुकमा आपको उसके मुकदमे के एक इक्तबास की शक्ल में पेश करना चाहता हूँ। लसानी इस्तेदाद और जदीदियत की इस्तेदाद ही में मुमासलत नहीं, बल्कि जदीदियत के तजर्बे और ज़बान के तजर्बे में भी गहरी मुमासलत है। राइज ज़बान से इनहराफ का मसला पैदा ही जदीदियत पसंदों के यहाँ होता है। राइज ज़बान क्या है? ज़बान की कारकर्दगी को गिने चुने मानूस सांचों में कैद करना। जदीद तख्लीक कार इन राइज सांचों से इनहराफ करता है, ज़बान की असासी निज़ाम से नहीं। वो लसानी इस्तेदाद तक रसाई हासिल करता है
जो लामहदूद पराया बयान की तख्लीक का मंबा है। चूंकि लोग जबान की कारकर्दगी यानी उसके राइज साचों से ज्यादा मानूस होते हैं और लसानी इस्तेदाद से कम, इसलिए उन्हें जदीद तख्लीककारों की जबान से उलझन महसूस होती है। दुनिया भर की जदीद शायरी की तरह उर्दू शायरी की तारीख बावर कराती है कि जब भी किसी शायर ने अपनी बशरियत में तख्लीक और तजद्दुद की देवताई खसूसियत में यकीन महसूस किया है, यहाँ इस पे जदीदियत के मसले पर इन्होंने नासिर साहब ने इस पे जोर दिया है, अपनी बशरियत में तख्लीक और तजद्दुद अपनी बशरियत में तख्लीक और तजद्दुद की देवताई खसूसियात में यकीन महसूस करना। यानी जदीदियत का तजर्बा क्या है, तो उसे जबान के राइज पैराए नाकाफी महसूस हुए हैं, उसने राइज जबान पर शदीद दबाव डाला है, उसकी शिकस्त सुरेख की है और बिल्कुल नई अजनबी और अपने जमाने के कारीन के लिए सदमा अंगेज जबान वजा की है। ये था इक्तबास। आइए अब इसके मुसनिफ से पूछते हैं, नासिर साहब, उर्दू अदब की तश्कील जदीद से लेकर जदीदियत और नौ आबादियात के सफर के बारे में कुछ अर्ज कीजिएगा और साथ साथ इस सिलसिले में भी कुछ बताइएगा कि इस किताब में जो पसे नौबादियाती अदब पर यानी बेदिल और गालिब के जो अफवाह है जो इस उनकी सूरत में आपका अब तक सबसे तवील मुतालिया मौजूद है इन अफवाह में, इसके बारे में भी कुछ फरमाइएगा और पसे नौबादियात दौर की बाजियाफ्त का आपका जो ये मुनफरिद मौकिफ है उसके बारे में ज़रूर कुछ कहिएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब नौमान नकवी साहब और जनाब सज्जाद रिजवी साहब, आप दोनों की यूनिवर्सिटियों का, हबीब यूनिवर्सिटी का, एग्जिटर यूनिवर्सिटी का शुक्रिया कि किताब अभी दो ढाई माह पहले मंजर-ए-आम पर आई और आपने इस किताब पर इस इतनी उम्दा तकरीब का एहतमाम किया। और मैं अपनी गुफ्तगू से पहले शुक्रिया खास तौर पर अदा करना चाहता हूँ जनाब अफजाल अहमद सैयद साहब का। मेरे लिए ये बड़ी एक फख्र की बात है कि हमारे अहद के मुमताज तरीन शायर और जिन्हें खुद बेदिल से लगाव है और सबक हिंदी के जो शोरा हैं उनसे जिन्हें खास तौर पर लगाव है और वो इस बात को मुझसे कहीं ज्यादा समझते हैं तो वो इस किताब की तकरीब में मौजूद हैं। डॉक्टर तनवीर अंजुम साहबा, मैं इनका भी ममनून हूँ। मेरे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है कि इस किताब पर गुफ्तगू के लिए ये तशरीफ लाई हैं। और हमारे दोस्त डॉक्टर शाहजेब साहब, इनका ये दोस्त हैं, दोस्तों का शुक्रिया ज्यादा अदा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस किताब की तसनीफ के दौरान सबसे ज्यादा अगर मेरी गुफ्तगू रही है और काफी देर तक गुफ्तगू रही है तो वो डॉक्टर शाहजेब साहब थे। तो मैं तो समझता हूँ कि इसकी तसनीफ के कुछ हकूक शाहजेब साहब को भी मिलने चाहिए कि ये हमारी जो गुफ्तगू, मैं चूंकि शाहजेब साहब भी इसके कायल हैं कि जो इल्म होता है, इल्म की तख्लीक एक इज्तमाही रवैया होता है, तो मैं भी इसको समझता हूँ, मानता हूँ कि जो इल्म की तख्लीक है उसमें कोई एक आदमी का कितना ही दावा क्यों ना करे वो अकेले नहीं, उसकी सोसाइटी, उसके अहबाब, किताबें, पेशराव, पुराने नए सब लिखने वाले किसी न किसी शक्ल में उसमें किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस किताब पर पहली जो गुफ्तगू है रखी, और ये गुफ्तगू इसलिए भी मुझे बहुत अहम लगी है कि इसमें हमारे जमाने के चंद बड़े अजहान जो हैं वो मौजूद हैं और इसका जो प्लेटफॉर्म है वो भी बड़ा एक मुमताज है। देखिए, आदमी दो तरह के सफर करता है, एक तो जिस्मानी सफर करता है और एक जहनी सफर करता है। ये किताब जो है वो एक तवील और लंबे जहनी सफर की, जो जिस्मानी सफर होता है वो तो बड़ा मुख्तसर होता है, घंटों में आजकल तय हो जाता है या एक दिन में तय हो जाता है, तवील से तवील सफर। लेकिन जो जहनी सफर होता है वो बहुत पुरपेच भी होता है, बहुत तवील भी होता है, क्योंकि वक्त का जो खारजी तसव्वुर है वो और है, लेकिन जो दाखली तसव्वुर है वक्त का वो बिल्कुल बड़ा पेचीदा है। तो ये उस अंदर का जो जहनी और एक दाखली सफर है उस का एक समझ लेके एक पड़ाव है। इसका आगाज हुआ था जब मैं पीएचडी कर रहा था, सबसे पहले ज़करे यूनिवर्सिटी मुल्तान से मैंने पीएचडी की थी उर्दू अदब पर, उर्दू तनकीद पर मगरबी तनकीद के असरात। तो सबसे पहले उस वक्त मेरे ज़हन के सामने जो सवाल आया था, वहीं से ये सारा सफर शुरू हुआ कि उन असरात की नौयत क्या थी। उससे पहले कुछ इस पे काम हो चुका था लेकिन वो सीधा साधा था कि उर्दू के किन नकादों के हाँ मगरब के असरात आए हैं, किन मगरबी नकादों को हमारे हाली आजाद से लेकर कलीमुद्दीन अहमद तक
किन लोगों ने पेश किया है, लेकिन उन असरात की जो नौईयत और नेचर है इस पे बहुत कम गुफ्तगू हुई थी। लेकिन मेरे लिए सबसे अहम यही बात थी कि आखिर इन असरात की नौईयत क्या थी। चुनाचे मेरे उस मकाले का जो बदकिस्मती से नहीं छप सका अभी तक, उसका पहला बाब जो था वो इसी नौ आबादियाती सूरत हाल पर था। लेकिन सब मेरे पास पुरानी बात है, गवर्नमेंट कॉलेज जंग में हुआ करता था, लाहौर नहीं आया था, तो वो किताबें बहुत महदूद थी, तो जो मुझे समझ आया फिर मैंने उस वक्त लिखा। लेकिन वहां से ये एक मेरे जहन में गिरा पड़ गई कि इस गिरा को मैंने खोलना है कि ये इन असरात की इसका तारीखी क्या पस मंजर है और खुद ये असरात किस तरह आए हैं। फिर ये भी था कि वो असरात अदब में किस तरह आए हैं। सोसाइटी पर असरात की नौईयत कुछ और होती है, लेकिन अदब पर जो असरात होते हैं और तरह के होते हैं, तो ये सवाल रहा। उसी सवाल के नतीजे में फिर मैंने पीएचडी के बाद जो किताब लिखी जिसका आपने जिक्र किया, जो तो छपी तो 2013 में, लेकिन ये 2009-10 में लिखी गई थी। और मैं पोस्ट डॉक के लिए जर्मनी गया 2011 में, तो ये ऑक्सफोर्ड को मैं दे के गया था, और लेकिन छपी ये जरा तखीर से, पहली किताब थी तो नए मुसन्निफ को जाहिर है अगर अब जल्दी छाप देते हैं, पहले बहुत वक्त लगाया। लेकिन वहीं मैंने फिर ये जो काम कर चुका था, तो फिर मैंने वहाँ पोस्ट डॉक के लिए भी इसी तरह का मौजू चुना था कि नौ आबादियाती अहद के उर्दू निसाबात पर मैंने काम किया वहीं बैठ कर। तो उनमें भी मैंने यही देखा तो किस तरह इन निसाबात को एक जरिया बनाया गया था कि जो कॉलोनियल आइडियोलॉजी है उसको इस्तकरार बख्शने के लिए और उसके फरोग के लिए और एक जहन साजी के लिए बनाए गए, और वो बड़े होशरबा किस्म के थे, जो मेरी किताब सकाफत शनाख्त और इस्तेमारी इजारादारी के नाम से जो संग मील से 2014 में आई उसमें शामिल है। और फिर हाइडलबर्ग की डायरी में भी ये काफी बहसें मौजूद हैं कि ये क्या थे। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं जो बातें माबाद नौआबादियात उर्दू के तनाजुर में और जो सकाफती शनाख्त और इस्तेमारी जारादारी में नहीं कह सका, तो वो फिर उनके लिए मैंने अगली किताब उर्दू अदब की तश्कील जदीद लिखी, जिसमें मैंने कहा कि जो जहनी सफर होता है वो नहीं रुकता, ख्याल का सफर, या जैसे बेदिल पर एक मजमून है तो उसमें ख्याल और गालिब के यहाँ भी जो ख्याल पर लिखा गया है, तो ये सफर वो नहीं रुका। तो मुझे लगा अभी बहुत से गोशे बाकी हैं जो मुझे देखने हैं कि कॉलोनियलिज्म के उर्दू अदब पर क्या असरात हुए, हमारे अदीबों ने कैसे उन असरात को कबूल किया, कैसे कहीं उनका साथ दिया, कैसे उनके खिलाफ मुजाहमत की, कैसे वहाँ खामोशी इख्तियार की, कहाँ ला तल्लुक इख्तियार की, कहाँ बेगानगी इख्तियार की। और फिर अदब में इसके साथ, यानी ये तो एक था ना कंटेंट की सतह पर, दूसरा ये भी था कि उर्दू अदब में टेक्निक की सतह पर, असलूब की सतह पर क्या क्या तब्दीलियाँ आई, तो इनको भी मैंने सब में देखने की कोशिश की उर्दू तश्कील जदीद में। फिर उसी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने 2017 में जो मेरी जिसका आपने जिक्र किया मीरा जी की किताब आई, लेकिन मुझे लगा कि अभी भी बहुत सी चीजें हैं जिनको मुझे वाजे करना है, तो फिर उसके लिए मैंने जदीदियत और नौ आबादियात का ये लिखा, क्योंकि इस मौजू पे पहले जमकर क्या मेरे ख्याल कोई तफसीली मजामीन भी मौजूद नहीं है कि आखिर हमारे यहाँ जो जदीदियत आई उर्दू अदब में, जो अंजुमन पंजाब और उसके बाद अलीगढ़ जी बाकायदा इदारा जाती सतह पर, और अंजुमन पंजाब जो थी जिसपे मैंने बड़ा तवील चैप्टर पहली किताब में लिखा था माबाद नौआबादियात में, तो उससे साफ था कि उन्होंने इसको एक नीम सरकारी एक तंजीम बनाई गई थी, डॉक्टर लाइटनर और मोहसिन आजाद उसके सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने खास तरह का जो अदब था वो उसके जरिए फरोग देने की कोशिश की। और उससे पहले हमारा जो सारा अदब था उसको उन्होंने कहा कि ये एक तो नापाक दफ्तर है, इससे ज्यादा आपको बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। तो वहां से जो आगाज हुआ हमारे यहाँ जो जदीदियत आई और जो अदब में आई, और इस जदीदियत का नौ आबादियात के साथ क्या रिश्ता था। मसलन आप देखिए कि हमारी उर्दू की अक्सर किताबों में अब भी 1857 के बाद जो उर्दू अदब आया और जो मजमूई हमारी जो माशरती और सकाफती सूरत हाल पैदा हुई, इसको नशत सानिया कहा जाता है। मैंने ये इसको ये डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, भाई ये नशत सानिया नहीं है, नशत अब ये कि ना ये भी एक तरीका था कि आप अपने आपको मगरब की नजर से देख रहे हैं उन समझेगा कि, और ये जो था वो जो बहुत से हमारे मुस्तशरकीन थे या हिंदुस्तान में रहने वाले जो एक इंतजामी उदों पर होते थे और वो मुसन्निफ भी बन जाते थे, तो उन्होंने उसको बयान करने की कोशिश की कि हम तो आए जो हैं आपको एक नए जो एक नशत सानिया में लेके जाने के लिए आए हैं, आपके यहाँ उलूम का अहया कर रहे हैं, तो ये दावे उन्होंने किए और हमारे उर्दू के अदीबों ने इन दावों को कबूल भी कर लिया। तो अब भी वो लोग बड़ा तबका है जो समझता है कि वो नशत सानिया थी, हम समझते हैं कि वो नशत सानिया नहीं थी, वो एक पूरी तरह मुकम्मल एक इनकता था कि एक जो कल्चर जो पूरी तहजीब
जो हिंद मुस्लिम तहरीर जिसको कहना चाहिए, जो एक बिल्कुल और अंदाज में पैदा हुई थी और जिसने बहुत काबिल फख्र काम किए थे, वो तो उसको मगरबी नजर से लोगों ने देखा और जो उन्होंने नजर हमें दी हुई हमारी तालीमी निसाबात के जरिए, अखबारात रसाइल जो भी सारे तरीके होते हैं फैलाने के जरिए, तो मैंने एक तो इसको कोशिश की। तो लेकिन गोया जिन लोगों ने नशत सानिया कहा था उन्होंने ये तो कबूल किया हमारे यहाँ जदीदियत आई, लेकिन उसके पीछे जो नौआबादियात थी उसको एक नजरअंदाज किया गया, हमारी मजमू जो पैदा हुई तो मैंने उसको करने की कोशिश की है। लेकिन चूंकि जदीदियत जो है वो उसकी कई शक्लें होती हैं, जिस तरह आपने भी अपनी गुफ्तगू में शुरू में कहा, उसके साथ मुझे कई एडजेक्टिव लगाने पड़े, नौआबादियात थी, यूरोपी जदीदियत कही, इस्लाह पसंद जदीदियत, तो ये वाजे करने के लिए और इसलिए कि ज़ाहिर है जो सर सैयद अहमद खान ने जिस जदीदियत को मुतारिफ करवाया, जो बड़ी हद तक एक फलसफियाना जदीदियत थी और हमारे यहाँ वो एक इस्लाह के एक लिबादे में आई थी, वो जदीदियत और फिर अब अगर सर सैयद को आप जदीद कहते हैं तो फिर सवाल ये कि आप अल्लामा इकबाल को किन मानों में जदीद कहेंगे, वो ज्यादा उसके लिए आपको एक और कोई इस्तिलाह इस्तेमाल करनी होगी। इसी तरह आगे हमारे यहाँ जो मीरा जी राशिद मजीद अमजद अख्तर लिमान ये शायर आए, उनके लिए फिर उनको वो हाल ही के मानों में जदीद नहीं है। इसी तरह 1960 में जो नई शायरी और नए अफसाने की तहरीक आई और जिसने अपने लिए खुद जदीदियत का इस्तेमाल किया, यानी पहली दफा उर्दू में बाकायदा जदीदियत की जो इस्तिलाह तहरीक के लिए इस्तेमाल हुई, तो उसको उन मानों में नहीं है। तो इसलिए मुझे जगह जगह उस जदीदियत के साथ एडजेक्टिव एक लगाने पड़े कि भाई वो जदीदियत ही। तो मैंने ये साथ साथ तारीखी तौर पर देखने की कोशिश की कि उर्दू में 1857 से लेकर 1960 तक जो जदीदियत आई है वो हमारे यहाँ किस तरह आई, और मैंने अपना सारा जो फोकस है वो उर्दू अदब के साथ रखा है। हाँ, एक चीज मैंने ये, क्योंकि ये थोड़ा सा आप कह लें कि मेरा एक एम्बिशियस किस्म का एक आजिजाना एम्बिशियस लेकिन आजिजाना एक ये कोशिश है कि जो जदीदियत है ये सिर्फ इसका मगरिब जो इसका दावा करता है कि ये हमसे शुरू हुई, तो मैं समझता हूँ ये मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है। क्योंकि बाकी शोबों में जो जब आप ले जाएं कि ठीक है तालीमी दरसगाहों में दूसरी जगहों पे वो जदीदियत का जो सवर है वो हो सकता है कि मगरिब वो नहीं, लेकिन जहां तक अदब का ताल्लुक है तो अदब में हमारे यहाँ जदीदियत की बिल्कुल ओरिजिनल और मिसालें मौजूद थी। और जिस तरह जो आपने इक्तबास पढ़ा ये बिल्कुल उसको डिफाइन करता है कि जिस तरह लिसानी इस्तेदाद जो होती है वो बहुत गैर मामूली इम्कान रखती है, इसी तरह कि उसमें एक मुसलसल इनोवेशन होती है। अब जैसे अफजाल अहमद सैयद साहब जिस तरह की नसरी नज्म या गजल लिखते हैं वो तनवीर अंजुम एक ही घर में रहते हुए नहीं लिख सकती, तो वो लिसानी इस्तेदाद दोनों की एक है लेकिन उसका जो इजहार है वो अलग अलग होता है। तो इसलिए जो जदीदियत का जो बीज है वो हर कल्चर में मौजूद होता है, लेकिन वो जब उसको एक इदारा जाती शक्ल मिलती है या स्टेट ऑपरेटर सारे साथ मिलते हैं तो और हो जाती है। तो मगरब ने जो जदीदियत कायम की वो बिल्कुल और तरह की थी, बेदिल की जदीदियत और गालिब की जदीदियत उन दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मेरे ख्याल मैंने काफी लंबी गुफ्तगू कर ली, मुझे 15 मिनट कहे थे, तो बहरहाल ये मैंने इसमें बाद में सवाल पैदा हो सकते हैं। तो मैंने आखिरी में बात ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इस किताब में ये कोशिश की है, अगरचे अपनी किताब का खुलासा बयान करना बहुत मुश्किल, मुझे लगता है कि मैं खुद अपने साथ नाइंसाफी करूंगा कि उसमें मैंने एक एक जुमला जो लिखा है वो बहुत एहतियात और सोच समझ के लिखा है, तो मैं अपने खुलासे में नहीं चाहता कि उसका वो कोई एक आ जाए कि मैं जिस नहीं बयान कर सकता, लेकिन एक जो मौकिफ सिर्फ मैं बयान कर सकता हूँ कि मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पहले जदीदियत मौजूद थी, खासतौर पर जो बुद्धि फिक्र है उसका जो लिसानियत तस्वुर है इसमें आपको जगह जगह मिलेगा, वो बिल्कुल एक जो स्ट्रक्चरिज्म का लिसानियत तस्वुर है वो सारा का सारा वहां से लिया गया है, उसका इतराफ नहीं किया गया, वो अलग गए। हमारी बदकिस्मती है कि हम उसको आगे नहीं लेके चले, दिगनाग का इसमें काफी जिक्र है, वो उसके सारे तफसील से तस्वुरात भी पेश किए गए हैं। इसी तरह बेदिल और गालिब के यहाँ भी जो हमें रिल्के के यहाँ, टीए सीनियट के यहाँ, या अज़रा पाउंड के यहाँ या दूसरे के यहाँ जो जदीदियत के तस्वुरात मिलते हैं वो पहले हमारे यहाँ मौजूद थे, और बल्कि बहुत से जो मगरब के जदीद शोरा हैं उन्होंने मशरक के जो बहुत से जदीद शोरा को पढ़ा, जैसे गोटे ने ज़ाहिर है यहाँ हाफिज़ को पढ़ा, उन्होंने रंग में गजलें भी कही, तो उनको उन्होंने पढ़ा है जो यहाँ के अदब का वहाँ पे असर पड़ा है। लेकिन हमारे यहाँ 1857 के बाद जो एक मजमू डिस्कोर्स बना वो ये था कि हम बिल्कुल एक जवाल का शिकार थे, इनहतात का शिकार थे, हमारे पास जो कुछ है, जो तरक्की है, जो रोशन ख्याली है, जो आजादी है, ये सब कुछ वहां से आया है। तो ये मैंने दिखाने की कोशिश की है कि उससे पहले ये मौजूद थी। हाँ, एक ये हो सकता है कि ये इतराज
जो हमारे दो शाहजीब साहब पे बहस हुई थी, तो सवाल ये अगर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पहले से ओरिजिनल जदीदियत थी लेकिन जदीदियत के साथ जो एक बैगेज है वो मगरब का, इसको कैसे अलग किया जाए, तो इस पे बहरहाल मैं अब करूंगा तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन इसका जवाब किताब में देने की कोशिश की गई। जी बहुत शुक्रिया नासिर साहब। अब मैं डॉक्टर शाहजेब आपको दावत देता हूँ, आप भी जरा इजहार ख्याल कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ जैसे कम इल्म को इतनी अहम मजलिस में शिरकत की दावत दी और गुफ्तगू की इजाजत दे रहे हैं। तो अब जो है वो अगर इस हवाले से, नासिर साहब का यकीनन बहुत शुक्रिया, सजाद रिजवी साहब और नुमान नकवी साहब का, इसी के साथ साथ नासिर साहब का भी कि उन्होंने इस अहम तरीन मौजू पर अपना कलम उठाकर फलसफा व अदब व तनकीद के कलामियों को ख़ास तौर से पाकिस्तान में जो है वो एक जिला बख्शी। इस मौजू पर बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगुएं, मैं समझता हूँ कि जज़वी तौर पर अगर हम उर्दू ब्लॉगोस्फीयर में भी देखें तो वो जारी हैं, लेकिन जिस मुनज़बत और मरबूत अंदाज में इस मौजू पर नासिर साहब ने गुफ्तगू की है वो यकीनन इस मौजू पर अब तक की जो है वो एक अमीक तरीन काविश जो है वो उसको समझा जा सकता है, और मैं इसको यकीनन इसी तरह से देखता हूँ। अब नासिर साहब ने, और शुरू में मैं वही कहता चलूं जैसे नासिर साहब ने भी इशारा किया कि ये किताब वाकई एक ऐसी किताब है कि जिसमें एक एक जुमला बड़ी ही तवज्जो के साथ और बड़ी अपने साथ एक गहराई लिए हुए है, तो कोई भी दावा के अपनी गुफ्तगू में जिस किताब का जो है वो मैं खुलासा कोई पेश करूं या मुहाकमा करूं तो यकीनन ये एक अफवाह के दर्जे की चीज़ होगी। तो इससे मैं पहलू तही करते हुए जो कुछ बातें मेरे जहन में आ रही थी, मैंने कुछ अपने ख्यालात कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं तो वो मैं शेयर करता हूँ, और मज़ीद उसके ऊपर जो है जो मुफक्किर मौजूद हैं वो उसकी जो है वो इस्लाह कर देंगे, उसमें इजाफा कर देंगे। तो नासिर साहब ने इस किताब के आगाज में लिखा है कि जब ये सवाल उठाया जाता है कि जदीदियत महज एक तारीखी मजहर है तो ये अपने अंदर एक रद्द नौ बादियाती मंशा लिए हुए ये सवाल सामने आता है। तो सबसे पहले जो मैं इजहार करना चाहूँगा, यकीनन हमारे सुनने वालों में बहुत से अफराद ऐसे हैं कि जिन्होंने ये किताब अभी नहीं पढ़ी और पढ़ेंगे, तो एक अहम बात जो ये कि किताब बजाते खुद अगर इसकी भी एक मंशा को देखा जाए तो इस किताब लिखे जाने की भी मैं ये समझता हूँ कि एक रद्द नौ बादियाती मंशा है, और इसको बड़ी ही पेचीदगी के साथ और बड़ी ही इसकी बारीकियों में जाके इसके बहुत सारे पहलुओं को जो है वो वाजे करने की और खोलने की कोशिश की गई। तो अगर इस्तेमारियत या नौबादियात या नौबादियत, क्योंकि मेरे नज़दीक जब हम इसको अंग्रेजी में अगर हम वाल्टर मिनोलो की तहरीर पढ़ते हैं तो जैसे वो फ़र्क करते हैं कॉलोनाइजेशन और कॉलोनियलिटी में, तो अब उर्दू में अगर हम इसी तरह लिखें तो आसानी है, लेकिन अगर कॉलोनाइजेशन को हम जो है वो नौबादियात और कम अज कम अपने समझने के लिए मैं ये समझता कॉलोनियलिटी को अगर नौ आबादियत कहें, गालबन उर्दू के असूलों के अतबार से मुझे नहीं मालूम ये दुरुस्त एक तरकीब होगी या नहीं, लेकिन नौ आबादियत से मुराद कॉलोनियलिटी। तो जो नौ आबादियत है तो इसको अगर एक पहाड़ के तौर पर देखा जाए जो हमारे सामने मौजूद है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको कई अतराफ से खोखला करने की जस्तजू जो है वो जारी है, और ये आज का इजलास भी इसी हवाले से बड़ा अहम है कि मुख्तलिफ शोबा जात के अफराद यहाँ पे इकट्ठे हैं, और मेरा ये ख्याल है और यकीनन नुमान नकवी साहब के हवाले से मैं जानता हूँ और सजाद रिजवी साहब की भी कुछ गुफ्तगुएं जो है वो मैंने सुनी है, और नासिर साहब को मैं ज़्यादा करीबी तौर पर जानता हूँ, तो ये एक जस्तजू जो है नौ आबादियत के पहाड़ को खोखला करने की तो ये जारी है। अब एक और सिमत से मेरी शनासाई इस नौ आबादियत के पहाड़ से यूं हुई कि जब अंग्रेजी के शोबों से वाबस्तगी के नतीजे में मुसलसल
अंग्रेजी लिखारियों को पढ़ने का और उनका जो एक रोह क्लासरूम के एनवायरनमेंट में कायम हुआ और उसमें ये सवाल उठाया कि हम इसमें कहाँ हैं और हम इसमें बिल्कुल गायब क्यों हैं, हमारा माजी, हमारे जैसे नाम, तो क्या हमारा अदब वजूद नहीं रखता। तो इस हवाले से जब बाद में मुझे अपनी पीएचडी करने का मौका मिला तो उसमें मैंने देखा कि किस तरह से अंग्रेजी अदब की जो इदारा जाती तश्कील हुई तो वो ब्रिटिश पंजाब में, तो उसको भी एक ऐसे इदारे के तौर पे कायम किया गया कि जिसका मकसद मकामी अफराद में एक ऐसे तबके की तैयारी थी कि जो नौबादियाती ढांचे को कायम रखने में अमली किरदार अदा करें। तो इस तरह से जो नौआबादियाती इल्मियात और अमलियात का जो तालमेल सामने आया वो करीबन हर नौआबादियाती अमल में जो है वो मुजमर है। जैसे अभी नासिर साहब ने फरमाया कि इन्होंने जब अपनी पोस्ट डॉक की और उसमें इन्होंने उर्दू अदब के जब निसाबात का मुतालिया किया तो गो वो उर्दू अदब जो है वो यहाँ की तश्कील थी, लेकिन जिस अंदाज से उसको पेश किया गया तो उसके अंदर इन्होंने भी उस एक अमल को जो है वो भांपा, इनको एक वो अमल नजर आया कि जिसके जरिए एक खास तरह के सियासी मकासद जो है वो भी सामने थे। तो यहाँ मुझे अंग्रेजी अदब में भी ऐसी ही कैफियत नजर आई कि एक जो जारहाना अंग्रेजियत थी, इंग्लिशनेस जिसको कहा जाता है, कि वो खुद बरतानिया में भी जेर तामीर थी। कि आज हम जैसे उनके जो है बहुत से यानी के इदारों की मिसाल देते हैं और उसमें खास तौर से ये जदीदियत का जहन, नौबादियाती जदीदियत का जहन रखने वाले अफराद मिसालें देते हैं उनके बहुत से इदारों की, चाहे वो जो है उनकी इंग्लिश डिक्शनरी हो या उनकी नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी हो या उनकी जो है नेशनल बिब्लियोग्राफीज हो और इसी तरह जो है वो उनकी और बहुत सी कुतुब हो, तो ये 19वीं सदी के आखिरी 25 से जो है वो 40 सालों के दरमियान में तो इन्होंने वो बहुत से इदारे कायम किए। और उसी दौर के अंदर यहाँ यूनिवर्सिटियों के क्याम में, मसलन पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में कायम हुई, तो वहां पर अंग्रेजी अदब का एक शोबा कायम किया गया। तो उस अंग्रेजी अदब के शोबे के अंदर फिर जिस तरह उन्होंने कोई भी मकामी चीज का दाखिला जो है उस पर कदगन आयद की, मसलन बड़ा मुमकिन था, और मैंने अपनी तहकीक में ये देखा कि 1884 में एडविन आर्नल्ड की एक किताब थी जिसका नाम इंडियन इडल्स था, उसको पोएट्री के पेपर में शामिल किया गया और वो किताब थी जिसमें मकामी शायरी के तराजम थे, संस्कृत के शायरी के तराजम भी थे, फारसी के भी थे और गालबन अरबी के भी थे, और उस किताब को एक क्रिटिकल एक्लेम भी मिला था और बजाते खुद तर्जमे की तारीख उस वक्त तक भी 100 साल पुरानी थी, 100 साल पहले महाभारत और मकामी कुतुब के तराजम जो है वो हो चुके थे और उसको एक तनकीदी एक्लेम भी खुद बरतानिया में मिल चुका था। तो ये अचंभे की बात ना होती कि अगर वो मुस्तकिल तौर पर एमए अंग्रेजी के निसाब में ऐसी किताब शामिल होती, बल्कि इसमें मजीद ऐसी तकाबली अदबियात जो है वो सामने आती। लेकिन ये दिलचस्प बात है कि 1884 में वो किताब शामिल की जाती है और अगले ही साल उस किताब को निकाल दिया जाता है। तो उसमें तज़िया करते हुए मजीद शवाहद जो सामने आए तो वो ये नजर आया कि उनका मकसद जो है ये जो तकाबली अदबियात है इससे उनकी जो इक्वेजन थी जिसके जरिए उन्होंने एक ऐसा तबका पैदा करना था, जो मैकॉले का मंशा था जिसका यहाँ पे जिक्र है और नासिर साहब उसको टीबी मैकॉले लिखते हैं कि जैसे उसका हमारे जो है बहुत से हवालों से टीबी का ही किरदार है, तो वो जो टीबी मैकॉले का एक विजन था कि एक ऐसी क्लास हो जो कि अपने जहन, अपनी शख्सियत और अपने आरा के एतबार से वो अंग्रेज हो लेकिन देखने के एतबार से वो मकामी। तो अब अगर अपने उस करिकुलर स्पेसेस के अंदर वो मकामी अदबियात का भी मुतालिया अगर करते और उसके अंदर ये मकामी जो है जैसे नासिर साहब ने बेदिल और गालिब की मदद से जो है दिखाया कि जो एक मकामी जदीदियत यहाँ पे नमू पजीर हमेशा से रही, तो वो जब तकाबुल होना था तो बजाते खुद वो करिकुलर स्पेस एक ऐसा मैदान कारजार बनता कि जिसमें मकामी तलबा ये सवालात उठाते
वाला जो एक बड़ा एक टू डायमेंशनल और एक सतही बयानिया था जो कि एनलाइटनमेंट नैरेटिव भी जिसको हम कहते हैं या जो एक नौबादियाती जदीदियत थी वो बजाते खुद कॉम्प्लिकेट हो जाती और उस जो है वो एक जिसको हम कह एक मुखासमे की फिजा बनती और उसके नतीजे के जो उनका मकसद था कि एक ऐसा जो है वो एक शैलो और एक सती जहन तैयार किया जाए कि जो जदीदियत की उस ताबीर को एक पैराडाइम के तौर पे लाए और हर बात में उसको एक कोड़े और चाबुक के तौर पे रिसीव करे और बताए कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो जो है वो मगरिब की पैरवी करनी है और हर उनकी बात को फॉलो करना है तो उसके अंदर जो है वो मुश्किलात पैदा होनी। तो खैर ये तो एक इस हवाले से बात थी कि किस तरह से इस पहाड़ के मुख्तलिफ सिमतों से हर शुबे के अफराद जो है अब दुनिया भर के अंदर आलमी जनूब के अंदर जो है वो इस जस्तजू में शामिल हैं कि इस नौआबादियत या कलोनियालिटी के एक जो पहाड़ है तो इसको ढाया जाए और इसको खोखला किया जाए। तो इस किताब को मैं उसी एक जस्तजू की एक कड़ी के तौर पर देखता हूँ कि जो पाकिस्तानी तनाजुर में एक इंतहाई अहम जो है वो काविश है और बहुत देर तक इसकी बाजगश जो है वो हम सुनते रहेंगे। अब इस किताब में जैसा कि जिक्र भी हुआ जदीदियत के बहुत से अवतार जो हैं वो नासिर साहब ने वाज़े किए और इसमें हम ये देखते हैं कि अगर हम इसको इस एक थोड़ा सा मैं उलमा से नहीं बल्कि जो कुछ तलबा भी शामिल हैं हमारी आज के इस मुजाकरे में जो सुन रहे हैं तो मैं उनके सामने ये रखूंगा कि जो बुनियादी मसला हमारे सामने ये जदीदियत क्यों ज़ेरे बहस है और ये बुनियादी मसला क्या है और वो ये कि अगर मैं अपने अल्फाज में कहूँ नासिर साहब ने बहुत जगहों पे इसका जिक्र किया और आगे मैं उसका हवाला भी देता हूँ कि जदीदियत जो मगरब हासिल कर चुका है वो उसके जो है लारेब कमालात की जलवागरी है और हमें अगर उसी मेरा एक तो ये कि हमें उसी मेराज को पहुंचना है और ये कि हमें उन्हीं के तरीक को अपनाना है ये एक दावा माशरे के अंदर और जो राइज हमारे यहाँ इदारा जाती तश्कील है हमारी यूनिवर्सिटियों की हमारे जो है दीगर सियासी इदारों की उसकी एक जो एक पैराडाइम की शक्ल में हमारे सामने ये बात आती है कि जैसे खुद नासिर साहब ने एक जिसको बुनियादी तस्वर कहा है मैं इसको अगर पैराडाइम कह के मजीद एम्फसाइज करूं और अपनी किताब में एक जगह लिखते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी में शामिल होने वाली मामूली सी शय गैर मामूली असरात और मुजमरात की हामिल हो सकती है इसलिए हमें लाजमन किसी ना किसी तस्वर की जरूरत पड़ती है किसी ऐसे तस्वर की जो उस शय की बयक वक्त अफादियत और मानवियत हम पर रोशन कर सके। तो ये जो पैराडाइम का एक बात जैसे नासिर साहब यहाँ कर रहे हैं तो ये हमारी जो वजूद है बतौर पाकिस्तानी बाशिंदों के बतौर एक तीसरी दुनिया के मुल्क के बाशिंदों के ये हमारे सामने हर वक्त हम इस तसव्वुर से नबर्द आजमाएं कि जदीदियत मगरब हासिल कर चुका है और उसके लारेब कमालात की जलवागरी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है और हमें उसी मेराज को पहुंचना है और उन्हीं के तरीक को अपनाना है। अब इसको जब तहलील तज्जिया इस तसव्वुर का किया जाता है कि एक तो इसी तसव्वुर को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया कि यूनिवर्सिटीज में उलूम पे बात होनी थी तो वहां इस तसव्वुर को राइज कर दिया गया पूरी ब्यूरोक्रेसी की कुव्वत इसी तसव्वुर के पीछे आई पूरे हमारे सियासी इदारों की तश्कील में इसी बयानिए की जो है वो एक कुव्वत उसको तकवीत बख्शती है और इस पर एतराज उठाना ये मैं समझता हूँ मैं खुद यूनिवर्सिटियों से सन 2002 से वापसता हूँ और खुद करीबन मैं कहूँगा कि 2010-15 तक इस एक बयानिए पर सवाल उठाना वो बेहद मुश्किल था लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा बहुत अरसे से तो ये जो रद्द नौआबादियाती तसव्वुरात हमारे सामने आ रहे हैं नासिर साहब जैसे लिखारी नुमान नकवी साहब जैसे प्रोफेसर्स और बजाते खुद यूनिवर्सिटियों में जो एक रद्द नौआबादियाती सोच हमारे सामने आ रही है तो इसको इस पर सवालात जो है वो उठाए जा रहे हैं।
तो ये इतनी एक अहम बात जो हमारे सामने है, तो ये एक ऐसा, मैं अब आगे बढ़ता हूँ अगले नुक्ते की तरफ, लेकिन इसको सम अप करता हूँ कि ये एक ऐसा, ये जो बात मैंने आपके सामने रखी, ये एक ऐसे बुनियादी तसव्वुर की शक्ल अख्तियार कर जाता है, अमूमी मुशाहिदे को इस छाननी से करा जाता है, और आज एक ऐसे पैराडाइम की शक्ल अख्तियार कर चुका है बहुत अरसे से, जा उत्तम मुल्क के पढ़े लिखे तबके में पाया जाता है, जिसके नतीजे में गौर व फिक्र का अमल बहुत ही सतही बन चुका है कि बस ये फौरन एक बात कह देना मॉडर्निटी के तराजू पे परख के एक चीज को, इसमें नया क्या है, कोई भी बात हो इसमें नया क्या है, व्हाट्स न्यू इन इट, और ठीक है रद्द करो नया नहीं है तो ठीक है आगे चलो। तो अब इसके हवाले से जब नासिर साहब की इस किताब का हम मुतालिया करते हैं तो पांच बुनियादी मुख्तलिफ तरह की जदीदियत जो है उसका इन्होंने तारुफ कराया, जैसे उन्होंने खुद भी जिक्र किया, तो ये हमें बड़ी मदद मिलेगी कि ये हमें ऐसे टूल्स मिल गए हैं कि हम अब कलामिये में, कलामिये की दुनिया मैदान में हम ये जो एडजेक्टिव्स जैसे इस्तेमाल किए इनकी मदद से हम गुफ्तगू को आगे लेके जा सकते हैं। जैसे मसलन उन्होंने बात की नौबादियाती जदीदियत की, फिर इसका फर्क किया यूरोपी जदीदियत से, कि मसलन उन्होंने ये बात की कि जिस तरह जो है कि अब हमारे यहाँ क्या होता है कि यूरोपी जदीदियत की मिसाल देके और हमारे यहाँ उनके इस्तेमारियत को जस्टिफाई किया जाता है और हमारी गुलामी को जस्टिफाई किया जाता है, इसी तरह फलसफियाना जदीदियत और जमालियाती जदीदियत का फर्क किया, ये हमारे सामने दो शक्लें आई। मैं कहूंगा कि जिससे असल में शायद उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जिससे वो नबर्द आजमाए और जिसको समझने की जस्तजू है हम सारों की, तो वो जिसको हम कह सकते हैं, चलें इसी को इस्तिलाह को इस्तेमाल करें तो एक हकीकी जदीदियत, कि उसका जो इंसानी एक जो एक वजूद है उससे, तो ये जदीदियत की मुख्तलिफ शक्लें हमारे सामने आती हैं। अब मैं दो सवालात जो हैं वो आगे रखता हूँ जो मेरे जहन में उभरते हैं इस तनाजुर में, और फिर मैं अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करता हूँ। तो एक तो सवाल हमारे सामने यही आ गया कि जो जदीदियत का हुर्रियत फिक्र से क्या ताल्लुक है, कि यूं महसूस होता है कि जैसे जो तमाम तर जो हकीकी जदीदियत को समझने की जस्तजू है उसको नासिर साहब हुर्रियत फिक्र से जोड़ रहे हैं कि वो किसी भी कदगन से आजाद। अब इसी के लिए एक लफ्ज जो हमारे सामने और आता है कलामियों की दुनिया में, जिसको हम लिबरलिज्म से भी ताबीर करते हैं, तो वो सामने आता है। अब उसको जिस तरीके से मसलन उस लिबरलिज्म के तस्वर पर, मैं तो ये कहूंगा कि जो उस पर भी तनकीद, मसलन पैट्रिक जे डिनीन की जो एक किताब कुछ अरसा पहले आई वाई लिबरलिज्म फेल्ड, तो उसके अंदर जो उसके ऊपर तनकीद है कि क्या बुनियादी इंसान के तसव्वुर पे जिस लिबरलिज्म की इमारत खड़ी की जाती है क्या वो बुनियाद दुरुस्त है, क्या इंसान आजाद है, या कि उसको समझा जाए कि वो कितने सारे आफाकी कवानीन की कदगने फिजिक्स के प्रिंसिपल्स इसी तरह और केमिस्ट्री उसूलों के ताबे उसका अपना वजूद जो है वो कायम है, तो उन उसूलों से भी आजाद होते हुए जो ये एक नारा मस्ताना है कि इंसान जो है वो हर तरह से आजाद है और वो कोई माजी की जकड़बंदी भी उस पर नहीं है और किसी तरह की भी नहीं है और जो चाहे मर्जी वो सोचे, तो यहाँ एक समझने की काविश है कि कौन से ऐसे उसूलों का ताना बाना हो सकता है कि जिसको हुर्रियत फिक्र कायम रखते हुए भी हम जो है वो कबूल कर सकें। तो ये हमारे सामने जो है एक बड़ा अहम सवाल है और मेरा ये ख्याल है इस किताब में भी उसको समझने की जस्तजू की गई है। इसी तरह आखिरी जो है वो और एक बड़ा अहम सवाल हमारे सामने आया इस किताब में, जिसमें ना बस पांच तीन चार मिनट मेरा ख्याल है, अगर मुझे आप दे दें तो मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूँ, बस दो तीन मिनट। जी अच्छा, तो अब जैसे इन्होंने जदीदियत को बतौर एक ज़हनी रवैये के तौर पे जो है वो सामने उसका जिक्र किया कि वो एक ज़हनी रवैया है, और इन्होंने नासिर साहब ने एक जुमला लिखा कि ज़हन का मखसूस रवैया या एक निज़ाम फिक्र या निज़ाम इक़्तदार जो हमारे अहद के फिक्री पैमाने से मुतालिक है, और इसी तरह आगे इन्होंने लिखा कि नए और जदीद
इन्होंने लिखा जदीद माजी रवायत और पुराने से अपने इनकता का जवाज घटता है। तो अब अगर जदीदियत की जो हकीकी जदीदियत की गुफ्तगू में ये जो माजी से उसका ताल्लुक है तो इस पे मेरी एक सवाल और ऑब्जर्वेशन ये है कि ये इनकता भी क्या एक तरह की सनवियत के ताबे नहीं आ जाता कि जो इंसान के वजूद को माजी और हाल में काट देता है और तकसीम कर देता है। क्या इंसान का हाल भी उसके माजी की ही एक अगली शक्ल नहीं है? क्या किसी भी लम्हा में माजी का मुकम्मल इनकार मुमकिन है? और क्या मुकम्मल तौर पर माजी से कटे हुए इंसान जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी हो, क्या हम उसको एक काबिल रश्क इंसान के तौर पर जानते हैं जिसके बारे में हम कहते हैं कि इसकी याददाश्त गुम हो चुकी है? तो क्या माजी और हाल के तालमेल से ही इंसानी जिंदगी की मानवियत जो है वो कायम नहीं होती? और फिर क्या इसी से तख्लीक के सौते नहीं फूटते और जिसके जरिए मुस्तकबिल की पेशबंदी की जाती है? तो जदीदियत जो है इस हवाले से जो एक उसका एक झुकाव बन जाता है तो उसको जो है मेरा ख्याल ये है कि ये जो हाल का एक इनपता की बात है तो इसको भी डिस्टर्ब करती है रद्द नौबातियाती सोच और उसको उस अंदाज से नहीं लेती जैसा कि जदीदियत इसको पेश करती है। और अख्तिताम करते हुए ये बात कि अगर तख्लीक को देखा जाए तो बड़ी दिलचस्प बात है कि नुमान नकवी साहब अभी आज दोपहर को उन्होंने एक बड़ी बात की और बेदिल के हवाले से उन्होंने बात करते हुए तो ये कहा कि वो प्री मॉडर्न एक राइटर को आपने जिस तरह से इंगेज किया, तो इसी तरह मैं कहूँगा कि एक प्री मॉडर्न तस्वर यहाँ 17वीं-18वीं सदी के अंदर सामने आता है जिसमें ये कहा गया शाह वलीउल्लाह के जो इंसान हैवान से मुमताज होता है वो तीन वजूहात की बिना पे होता है कि वो तीन वजूहात गो के बड़े बुनियादी दायरे में वो हैवानात में भी मौजूद है लेकिन इंसानों में वो निखर के सामने आती हैं और वो तीन है। एक वो कहते हैं कि वो है राय कुल का एहतराम कि इंसानों के यहाँ सिर्फ इंफरादी तौर पर अपनी बेहतरी देखने की बजाय एक अपने इर्द गिर्द के लोगों की खैरख्वाही का जज्बा इंसानों में पाया जाता है। एक दूसरा हुब्बे जमाल के इंसानों में इस दर्जे का जमाल पाया जाता है दीगर हैवानात में वो बहुत ही अदना दर्जे का है, इंसानों में वो बड़े ऊंचे दर्जे का है। और आखिरी जो वो बात कहते हैं जो इंसानों को मुमय्यज करती है हैवानों से वो है मादा ईजाद और तकलीद के इंसान जो है वो ईजाद का मादा भी इनमें है और तकलीद का मादा भी इनमें है। अब इसी बात को मैं कहूंगा बहुत कोराबोरेटिव एविडेंस हमें मिलता है दीगर उलूम से भी कि इंसान की जो उसके जो करिश्मे उसकी जात से जहूर पजीर हुए उसमें सिर्फ तख्लीकी कारनामे नहीं है बल्कि तकलीद की बुनियाद पे उस बल्कि क्रिएटिविटी की बजात खुद डेफिनेशन में के मालूम दायरों को या हदूद को जब एक्सपैंड किया जाता है तो वो जो है तख्लीक की शक्ल इख्तियार करती है। तो ये मेरा आखिरी नुक्ता था, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है मैं चूंकि बहुत पैशनेट हूँ इस ग्रुप और इस किताब और इस मौजू के हवाले से तो मैं बहुत माजरत चाहता हूँ वक्त ज्यादा ले लिया। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त तो आपने ज्यादा लिया मगर वो जाया नहीं गया। अब मैं अफजाल साहब को दावत देता हूँ। अफजाल साहब आप जरा इजहार ख्याल करेंगे। बहुत शुक्रिया नुमान साहब। ये जैसा कि अभी कहा गया है कि बहुत अमीर किताब है और एक लंबा सफर है दानिश का नासिर अब्बास साहब नैयर की जो इस किताब में उन्होंने अल्फाज की सूरत में अपने तजुर्बात को और अपने ख्यालात को मुंतकिल किया है। क्योंकि मुझे गालिब और बेदिल पर कुछ बोलने को कहा गया है कोई चीज़ में ख़ास इजाफा शायद नहीं कर सकूँ। इस किताब में तो बहुत ज़्यादा तफसील के साथ गुफ्तगु की गई है। मुझे कुछ सवालों का जवाब इसके जो मेरे जहन में थे इसको पढ़ के मिल गया। एक तो मैं ये समझ रहा था और के जो हमारे शायर थे खासतौर पर सबके हिंदी के शायर और
उनको हमारे बहुत मोतबर मोहतरम जो उर्दू के अदीब शायर शबीर नुमानी मौलाना आज़ाद, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। आज़ाद ने तो उसका एक मस्खरा बना के खाका लिखा। शबली नुमानी ने शरुल अजम भी यहाँ तक लिख दिया कि वो बदमजाकी की इंतहा है कि लोग शबली सॉरी बेदिल और शौकत बुखारी और इस तरह के लोगों को शायर समझते हैं। तो ये जो इतनी बड़ी सनद इन दो मुस्तहकम उर्दू अदब के हमारे दिन की तरफ से आई, और ये उस वक्त आई जाहिर है कि 1857 के बाद जब अंग्रेज़ों का गलबा था, तो जाहिर है तमाम पुरानी चीज़ों को रद्द किया गया। लेकिन जो ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि जो ज़्यादा फिक्री बेदारी पैदा कर सकती थी, जैसा कि नय्यर साहब ने वो भी एक बहुत अच्छा ख्याल पेश किया कि ये जदीद शायर था बेदिल और उसके असर से या उसके सिलसिले में गालिब, तो इनका बिल्कुल इनको यानी क्या कहना चाहिए उसको, पागल यानी मैं कहूँगा ये इस तरीके से पेश किया गया। तो और लोग भी इसमें शामिल थे, कोई इनको मर्तबा समझा ही नहीं गया, ना इनका कोई जिक्र हुआ, दफन कर दिया गया। और इनके साथ साथ जो इनके दरमियान या इनसे बेशतर जो सबके हिंदी के शायर थे, जो इतने खूबसूरत शायर हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते हर लिहाज से वो शायरी उनकी जो है वो किसी भी मियाद से वो बेहतरीन शायरी समझी जाएगी। तो बेदिल को भी रद्द किया गया, गालिब को रद्द किया गया, और शरुल अजम लिखी गई उसमें उन्होंने गालिब उनके दौर में थे उसका तस्करा नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी किसी भी शायर का मेरा ख्याल तस्करा नहीं है सिवाय अमीर खुसरो को। तो ये चीज़ें जहाँ वो अंग्रेज़ वो कोशिशें कर रहे थे उनको माफ़ करने की, जो हमारी सकाफती जमालियाती रवायत थी, जो फिक्र जदीद आ सकती थी हमारे जहन में, वो उसका आलाय कार जो होते हैं वो हमारे अपने मशाहिर थे। अब यहाँ में कोई ख़ास इजाफा नय्यर साहब के मज़मून में जो बेदिल और गालिब पर है वो शायद नहीं कर सकूँगा, चूँकि हर चीज़ तो आपने कह दी है। लेकिन ये ख्याल बहुत ही अहम है जो कि इनको जदीदियत को हम सिर्फ यही नहीं समझें कि वो मगरिब से आई है, बल्कि हमारे यहाँ ये मौजूद थी। 17वीं सदी में बेदिल था, 19वीं सदी में गालिब पैदा हुआ, और जो बुनियादी अज्जा हैं जदीदियत के वो आपने अपनी किताब में अपने मज़मून में मिसालों से साबित किया है कि क्या क्या ख्यालात थे और कैसे हम उनको उसी पैमाने पर जदीद समझ सकते हैं, करार देते हैं जिस पैमाने पर आज के दौर में जदीदियत को समझा जाता है। तो ये एक मुसलसल अमल है जो जारी है। और चाहे बेदिल ने नई शहरियात बनाई, नए अल्फाज बनाए, नए ख्यालात बनाए, वो जो पुरानी चीज़ें थी उनको रद्द किया, और एक और बेदिल के सिलसिले से बात होती है और जो गालिब तक भी पहुँचती है, जिस पर गोपी चंद नारंग ने जिक्र उसका किया है, उससे पहले शायद किसी ने किया हो लेकिन मुझे अंदाजा नहीं है, वो बुद्धि फिक्र का शायरी में आना, उर्दू शायरी में उस फलसफे में आना, और ख़ास तौर पर शनवानियत जो अदम अदम की बात करते हैं, तो वो गालिब भी उसमें उसको फलसफे को पेश कर रहे हैं, बेदिल भी कर रहे हैं। तो मैं अगर आप कहें तो मैं कुछ शेर
جو میں نے مختلف موضوعات پر سوچے ہیں, جو گفتگو میں میں کوئی اضافہ اس طرح نہیں کر سکتا, ناصر صاحب نے ہر چیز کا ادا کر لیا, لیکن کچھ اشعار جن چیزوں کو یا جن موضوعات کو ناصر صاحب نے پیش کیا, میں دو چار شعر اسی موضوع سے ان شعروں کے چاہتا ہوں کہ یہاں سناؤں آپ کو. اور جیسے اور اب دیکھیں کہ وہ کس طرح کے استعارے لاتے ہیں اور کہاں سے باتیں کرتے ہیں. ایک منٹ میں پنکھا بند کر دوں صاحب. بیگل کہتے ہیں کہ رہنا بردم بدتمیز عدم و ہستی خویش, این دو آئین اب ہم سخت مقابل بستن. تو میں ہستی اور عدم کے درمیان راستہ نہیں پا سکا, نکل مجھے راستہ نہیں ملا. یہ دو آئینے جو ہیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے کر دیے گئے ہیں, بہت مضبوطی کے ساتھ کھڑے کر دیے گئے. اب آپ اس میں دیکھیں کہ ہر چیز کی مطلب نگیشن ہوگی, کوئی چیز کون سا آئینے میں ہے, کون ہستی ہے, کیا ہے. تو اس چیز کو, اس فلسفے کو سمجھانے کے لیے تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس سے بہتر کوئی مثال دی جا سکتی تھی. اور دو آئینے ایک دوسرے کے سامنے ہو جائیں تو لم اتنا ہی عکس پیدا ہوں گے, وہ بھی نفی نفی در نفی سلسلہ چلتا جائے گا. پھر ایک اور شعر ہے, وہ بھی مجھے کافی اچھا لگتا ہے, اور وہ بھی اسی عدم کی بات کرتا ہے کہ دردشتے توہم جہتے نیست متعین, مارا چ عجب مارا چ ضرورست بدانین کجائیم. تو توہم کے دشت میں کوئی جہت مقرر نہیں ہے, پوری کائنات ایک توہم کا دشت ہے. تو پھر ایسی صورت میں ہم پر کیا ضروری ہے, ہم پر کیا لازم ہے کہ ہم یہ جاننا چاہیں کہ ہم کہاں ہیں, یہ تو ایک توہم کا. تو جیسے غالب نے پھر اس خیال کو اور آسان کر کے پیش کیا ہے کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی, تو وہ بھی اسی دشت توہم میں بھٹک رہے ہیں. تو یہ ایک خیال تھا. پھر اس کتاب میں جو مجھے سب سے اچھا یعنی باب یا وضاحت لگی, اس میں آپ نے وحشت کو بہت خوبصورت طریقے سے پیش کیا اور جو اس کے معنی بیان کیے ہیں وہ کمال ہے, اور ہم بھی پڑھاتے ہیں غالب کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی, اور اس میں وحشت کے مضمون تو آتے ہی رہتے ہیں. لیکن اب اگر اتفاق ہوگا انشاءاللہ تو میں آپ کے یہ چیپٹر پڑھاؤں گا وحشت کو ایکسپلین کرنے کے لیے. اس سے اچھی طرح اور میں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وحشت کو بیان کیا جا سکتا. پھر کچھ اور شعر میں سنا دیتا ہوں بیدل کے, غالب کے تو شاید ہمیں بہت یاد ہیں. اب نفی سے کیسے جہان مانی پیدا ہو جاتا ہے, یہ ایک کمال ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ حوث ہزار گلو لالا گو بہم سائد. تو حوث شوق ہزاروں گلو لالا کو ایک ساتھ پیس ڈالے, کفت ہمیں ذہنائے نبستہ دارد رنگ. تو مگر تیرے ہاتھ پر اسی نب بندی ہوئی حنا کا رنگ ہے. تو اب یہ نہ بندھی ہوئی ہے نا جو ہے جو موجود نہیں ہے, اور دنیا بھر کے پھول بوٹے مل کے وہ رنگ پیدا نہیں کر سکتے. اب آپ اس شعر کے معنی, جیسے آپ نے بھی لکھا ہے کہ ایک معنی کا سیل ہے جو آ جاتا ہے, کئی طریقے سے معنی اس کو سمجھ سکتے ہیں, لیکن معنی اسی سے پیدا ہو رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ پر ہنا نہیں بندھی ہوئی. یہ خیال آپ نے بتایا ہے کہ بشر مرکزیت جدید شاعروں میں اہم موضوع ہے. تو اس میں بیدل کے اشعار, جو اس وقت مجھے ایک شعر یاد آیا تھا, وہ عجیب غریب ہے. وہ وہاں بشر مرکز بھی ہے کائنات کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اس پر
پریشانیاں بھی اس کو ذمہ داریاں بھی اس پر. تو وہ اس طرح ہے کہ قاصد عالم رازم کہ ڈری عبرت گاہ, عالم راز کا قاصد. سوری میں ترجمہ کر رہا ہوں, آپ لوگ سمجھ رہے ہیں لیکن کچھ سننے والے فارسی اس طرح اور میرے قاصد عالم رازم کے دری عبرت گاہ نامہ گم کردہ خجالت بورود آمدہ. تو میں عالم راز کا قاصد ہوں جو اس عبرت گاہ یعنی اس دنیا میں آیا ہوں, اور نامہ جو پیغام لے کے میں آ رہا تھا وہ میں نے گم کر دیا. تو نامہ گم کرنے کے بعد اگر یہاں آئے گا تو اس کی کیا عزت ہوگی, اور اس خجالت تو یہی ہے. لیکن تو یہ پورے یہ بھی ایک انسانی المیہ ہے جو بہت خوبصورتی سے بے دل نے اس خیال کو پیش کیا. پھر آپ نے خصوصیت یہ بتائی کہ لمحے موجود کی اہمیت سمجھتا ہے جدید شاعر. تو یہ بھی آپ دیکھیں گے, بیدل کہتے ہیں کہ برفریب نسیہ نقد خرمی ہا باغتے, تو ہم نے ادھار کے فریب پر خوشی کا نقد جو تھا وہ ہار گئے. ٹھیک ہے, ادھار کے فریب پر ساغر امروز ماں بد مستی فردا شکست. تو آج جو ہمارا ساغر تھا جو جس سے ہمیں لطف اٹھانا چاہیے تھا, وہ ہم نے بد مستی فردا اس تصور میں کہ ہم کل بہت زیادہ مست ہو جائیں گے, ہمیں کل بہت کچھ مل جائے گا, تو آج کا وقت جو ہے ہم نے وہ ضائع کر لیا. پھر ایک صحیح بقا ہے جو آج کے انسان کو بھی درپیش ہے, اور بیدل کے دور میں بھی تھی, غالب کے دور میں بھی تھی, اور شاید اس کے بعد بھی رہے گی. لیکن وہ جس طرح اب دیکھیں کہ وہ ایک روزمرہ کی بات کو بیدل نے کہاں سے کہاں ملا لیا. آپ سنیں, خلق را برسرے ہر لقمہ جے بس سر شکنی. لوگ جو ہیں ایک ایک لقمے پر ایک دوسرے کا سر توڑ رہے ہیں. ناشتہ گر شکنی قلعے خیبر شکنی. اگر آپ کو ناشتہ ہی مل جاتا ہے تو آپ یہ سمجھے کہ آپ نے قلعہ خیبر کو سر کر لیا. تو یہ زندگی اس کی تکلیف اور کس طرح اس نے دیکھا اور سنا اور اس پیمانے پہ جا کے بیان کیا. دنیا کا کوئی نظام نہیں ہونا جو بے ترتیبی اور سب کچھ ہے جو سب کہہ رہے ہیں. غالب بھی شکایت کرتے ہیں کہ نقش فریادی ہے کس کی شوقی ہے تحریر کا. بیدل کسی اور طرح سے کہتے ہیں, صورت آفاق گر آشفت دیدی دم مزن. تو اگر دنیا آفاق کی کائنات کی صورت اگر بگڑی ہوئی دیکھی ہے تو چپ رہو. بے دلی تصویر کل کے بے نیازی میں کشت. تو یہ تصویر جو ہے بے نیازی کے قلم کھینچ رہا ہے. اب بے نیاز بھی کہہ دیا, ہمیں معلوم ہے کہ اسماعیل علیہ میں سے, اور یہ بھی بتا دیا کہ تصویر جو ہے وہ اچھی نہیں بنی. پھر عافیت کا طلب کرنا, بہت کہیں کہیں تو وہ اتنا ڈرا دیتا ہے دل کے, اتنا وقت نہیں بننا. اور بھی کہتا ہے عافیت می طلبی منتظر آفت باش. عافیت چاہتے ہو, آفت کا انتظار کرو. سر بالین طلبہ تحفہ دارس دی جا. تو جو لوگ تکیہ مانگ رہے ہیں اپنے سر کے آرام کے لیے, ان کا سر تو پھانسی کے تختے کے لیے تحفہ بننے والا ہے. تو پھر کہیں کہیں پہ خیر وہ بہت شعر شاعری اتنا زیادہ گہرے معنی بھی یعنی بیدل کے لحاظ سے تو نہیں, لیکن جو ایک شاعری کے اندر یہ غصہ جو ہوتا ہے وہ آ رہا ہے. کہتا ہے کہ با احتیاط قدم زن کے عافیت طلبا. احتیاط سے چلو کہ عافیت چاہنے والوں نے سگے گسستہ مرس دیدہ اند دنیا را. تو دنیا کو پٹا ٹوٹا ہوا کتا سمجھا, اس نظر سے دیکھا دنیا سے وہ دور. اور وقت میں تھوڑا سا اور اپنی خاموشی پر کافی چیپٹر یعنی صفحات دیے جو بہت ہی خوبصورت ہے. میرے خیال سے پہلے تو میں نے کہیں بھی
नहीं, बहुत सारी चीज़ें इस किताब में हैं जिससे पहले मैंने नहीं पढ़ी थी। इसमें खामोशी वाला बाब जो है वो भी बहुत खूबसूरत है, खामोशी की जमालियात भी। आपने कुछ शेर उसमें लिखे हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो इस किताब में हैं, भूल गया मैं। लेकिन एक बेदिल अहियाए महानी ब खामोशी करदम, नफस सोख्ता एजाज़ मसीहाए दिलस्त। तो खामोशी से मानी को जिंदा कर देना, ये ख्याल। एक और चीज़ है जिसका आपने वहाँ एक शेर तो आपने वहाँ लिखा है, रंगस्त बगर्दिश कदम निस दरिंजा। तो रंग को बहुत अजीब तरीके से एक नया इस्तेआरा बनाया बेदिल ने, और उसको जमान मकान का पैमाना बना दिया, ये ख़ास तौर पर जमान का पैमाना। तो वो बिल्कुल एक नया ख्याल है, और उसको उससे पहले किसी ने भी उस तरह नहीं सोचा था कि के फुर्सत ऐशस दरी बाग के गुलरा, गर गर्दिश रंगस्त हमां गर्दिश सालस्त। तो यहाँ किसको फुर्सत है कि इस बाग में अगर फूलों को रंग, फूलों के रंग बदल रहे हैं, तो वही उनकी गर्दिश साल है, वही उनकी उम्र के बदलने का पैमाना है। तो ये ख्याल गालिब को इतना पसंद आया कि उन्होंने बेतकल्फाना ले लिया, और उम्र अपनी हो गई सरफे बहार है हुस्न यार, गर्दिश रंगे चमन है माह साले अंदली। अब हम शायरी की बात करते हैं, और थोड़ा सा मुझे सब नासिर साहब से भी गिला है कि वो जमालियात की तरफ इतना तवज्जो, फलसफे की तरफ तो ज़्यादा हो जाती है उनकी, और उनसे गिला इसलिए कि मैं इनसे तवक्कु करता हूँ कि ये अगर जमालियात पर भी थोड़ा सा वक्त देंगे तो इनसे बेहतर तो कोई नहीं लिख सकेगा। तो मैं कुछ शेर आपको बेदिल के सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ, और देखिए कि और वो जमालियात फिर उसका एक रिश्ता गालिब तक आएगा। आपने बहुत अच्छी बात की थी कि गालिब बताया कि उसने रास्त असर उस तरह नहीं लिया कि बेदिल के ख्यालात को दोहराने लगे, बल्कि वो बेदिल के रास्ते उस मखजन उस माखज तक पहुंच गया जहां पर के इस तरह की फिक्र और इस तरह के ख्यालात उसको जहां से हासिल हो सकते थे। ये भी एक बहुत बड़ा गालिब के लिए मैं समझता हूँ कि समझने में आसानी होगी, इसलिए कि बहुत जगहों पर हम देखते हैं कि फौरन उठा के गालिब को ये साबित करने लगते हैं कि वो बेदिल के अशार के वो बस बराह रास्त उससे इस्तेफादा कर रहे थे। तो ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं था, वरना फिर वो शायरी नहीं होते, खत्म हो चुके होते। बहरहाल कुछ जो तीन चार शेर सुनाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है और विचार होंगे। कहते हैं कि नीस रंगी जहना नाखुन पायत के बहार, तो तेरे पैरों के नाखुन जो हैं वो हिना से रंगीन नहीं है। तलते खेश दरी आई नहा मी बीनत, तो बहार जो है वो अपना चेहरा इन आईनों में देख रही है, बहार अपना चेहरा इन आईनों में देख रही है, इसकी वजह से तेरे नाखुन जो है वो इतने रंगीन नजर आ रहे हैं। तो अब वो नाखुन आईने जैसे हो गया, हुस्न हो गया, और बहार और बहार यानी महबूब जो है, इंसानी जो वजूद है वो उसको इंतहाई खूबसूरत और दिलकश बना के पेश करते हैं। और भी कहते हैं कि बस के मजमूनी नज़ाकत सर्फ सरता पाए वो, नज़ाकत का जो मजमून है उसके सरतापा में सर्फ हो गया, ख़त्म हो गया, अब कुछ बाकी नहीं रहा कि अब नज़ाकत के बारे में कुछ कहा जा सके। गर कफे दस्तश खते दारद रगे बरगे गुलस्त, तो अगर उसके हाथ में लकीरें हैं हथेली में, तो वो लकीरें नहीं हैं, वो फूल की पत्तियों पर जो पंखड़ियों पर जो रगे होती हैं वो हैं। तो यहाँ पर मुझे मीर खुशियाँ रहते हैं कि पंखड़ी ये गुलाब की सी।
آرنگ کے می داشت درے غرض ورقِ گل وہ رنگ جو کہ پھول کی پنکھڑی پر بھی جانے سے گریز کر رہا تھا از دور کفی دست تو بوسی دو بپا بس اس نے دور سے تیرے ہاتھوں کو بوسا دیا اور تیرے پیروں کا بن گیا پھر ہمیں یہاں دوبارہ غالب یاد آئیں گے چگونہ حسن بسد رنگ جلوہ نفروشد کہ جائے آئینہ در دست دل افتاد دست تو حسن کیوں نہیں طرح طرح سے اپنے جلوے کو دکھائے چونکہ آئینے کے بجائے آج اس کے ہاتھ میں میرا دل آ گیا ہے تو وہ جو شعر ہے کہ دل خون شدہ کشمکش حسرت دیدار آئینہ بدستے بت بدمست ہنا ہے اور ایک شعر سنا کے میں ختم کر دیتا ہوں تغافل کا لفظ غالب کے پاس بہت آیا اور اس بہت خوبصورتی سے غالب نے اس کو استعمال بھی کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ بے دل سے زیادہ اچھی طرح غالب نے استعمال کیا غالب نے جو غالب اور بے دل کا کبھی موازنہ کیا جائے گا تو جمالیاتی جو پہلو ہے وہ اس میں غالب بہت بے دل سے کچھ بہتر نظر ضرور رہیں گے یہ کہتے ہیں آخری شعر میں پڑھ رہا ہوں ہم بخود ایک نگاہ تغافل زن اگر آئینہ قابل ستم است تو وہ کہہ رہے اپنے اوپر بھی ایک تغافل کی نگاہ ڈالو جس طرح مجھ کو تغافل سے دیکھتے ہو ایک بار اپنے آپ کو بھی آئینے میں تغافل کی نگاہوں سے دیکھو تو لیکن کہہ رہا کہ اگر آئینہ اس ستم کو برداشت کر لے تو میرا دل تو اس کو برداشت کر لیتا ہے لیکن تم تغافل سے دیکھو گے تو آئینہ بھی ٹوٹ جائے گا یعنی تغافل سے اتنی دل شکنی ہو رہی ہے کہ یہ آئینہ یہ ظلم برداشت نہیں کر سکے گا تو تغافل کی پوری کیفیت اور اس سے عاشق کا کیا حال ہوتا ہے وہ بھی بہت کمال ہے ایک بات اور مجھے آپ نے ایک لفظ سکھایا اس کتاب سے ناصر صاحب نے کہ وہ نیم رخی شعر میں نیم رخ اور پھر اس کی آپ نے بہت اچھی مثال بھی منیچر مغل پینٹنگ سے دی تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ اور آپ نے کچھ شعر بھی لکھے لیکن ابھی تغافل سے مجھے یاد آ گیا کہ اس میں بھی جو یہ شعر ہے بہت دنوں میں تغافل نے تیرے پیدا کی وہ ایک نگاہ کے بظاہر نگاہ سے کم ہے تو یہ تو نیم رخ نیم رخی کا باضابطہ یعنی تصویر یا تمثیل بنا کے اس کی مثال ہو جاتی ہے شعر کی یہی کچھ باتیں تھیں آپ بہت ہی خوبصورت آپ نے یہ کام کیا ہے کافی اچھی گفتگو اس پر شاہجہاں صاحب نے کی اور لوگ بھی سنجا صاحب کریں گے میں پھر مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اور دعا کرتا ہوں کہ آپ اور لکھیں اور میری درخواست کو بھی مد نظر رکھ کے کچھ جمالیات کی طرف چونکہ بہت بڑا خزانہ ہے صرف غالب نہیں ہے جو کہیں سے بھی آپ شروع کر لیں فغانی سے لے کے اور غنیمت کنجاہی تک کمال ہے چلیے نعمان صاحب بہت شکریہ میں اتنی کہنا چاہتا تھا بہت بہت شکریہ افضال صاحب ہمیشہ کی طرح آپ کے بہت ہی سجیسٹو آپ کے ہمیشہ ریمارکس ہوتے ہیں اور جو شعروں کا انتخاب ہوتا ہے اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ڈاکٹر تنویر اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اظہار خیال کیجیے آپ میوٹ ہوئی ہوئی ہیں مائک ذرا اس موضوع پر میں بات کرنا چاہ رہی تھی وہ ناصر صاحب کا ہی چیپٹر ہے کہ اردو میں کلاسیکیت اور جدیدیت کے مباحث جو ایک طرح سے بالکل بلکہ براہ راست طریقے سے ہی اسی انہی چیپٹرس کا جو انہوں نے جد غالب پر اور بے دل پر لکھے ہیں ان سے ان کو توسیع دیتے ہیں تو اس میں جو انہوں نے بات کہی ہے وہ اسے ہم سمجھ بھی سکتے ہیں جو افضال احمد سید صاحب نے ابھی بات کی جو اشعار سنائے کہ یہ کس طرح سے ہمارے لیے بہت
زمانے سے, مطلب نہ صرف میرے لیے بلکہ اور بھی پرانی نسلوں کے لیے بھی اور اس کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے تقریباً ناقابل رسائی ہو گئے ہیں, ہو گئی ہے یہ شاعری. اور اس میں ظاہر ہے کہ اس کا قصور ہے, اس میں شاید انہی مباحث کا یا اس رویے کا جو نو آبادیاتی جدیدیت کا رویہ تھا ہمارے جو ایک زمانے میں ہمارے ہاں آیا اور ہمارے ادیبوں نے اس کو اپنایا, سر سید احمد خان سے جو آگے بڑھتا گیا. اور اگرچہ کہ ناصر صاحب نے کہا ہے کہ وہ بالآخر ختم ہو گیا, اب وہ جدیدیت پہ ختم ہوا یا ہم اس کو مابعد جدیدیت کہیں گے, اس پہ جا کے وہ کچھ اس میں تبدیلی آئی, لیکن یہ ہم اس اپنے علمیے کو تو بھلا نہیں سکتے اور اس علمیے کا کوئی تدارک نہیں کر سکتے جب تک کہ کیونکہ ہمارے لیے ابھی بھی یہ ادب اور اس سے بہت سارا اور ادب جو ہے وہ ناقابل رسائی ہو چکا ہے. اور وہ کب تک ہم اس کے احیا کر سکیں گے, ہم اسے دوبارہ اپنا تعلق جوڑ سکیں گے, یہ بھی تو اس بات کو شروع کرتے ہوئے ناصر صاحب نے جیسے شروع کیا ہے, تو انہوں نے وہ جو بائنری اپوزیشن کا ان کا تصور ہے عام سوسیور کا جو ہے کہ اشیاء کو ہم ایک دوسرے کی ضد سے پہچانتے ہیں, تو یہ جب سے اسٹرکچرلزم کے حوالے سے ہم نے اس کو سمجھا ہے. اور پھر ہم انہوں نے جس بات سے ایکچولی بحث کیا وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ہماری ہم لوگوں نے وحدانی تصورات جو ہیں چیزوں کے وہ ان کو ان کی تبلیغ کی, ان کو تخلیق کیا. تو وحدانی تصورات سے وہ جو مطلب وہ لیتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم وہ ایک ٹوٹیلیٹیرین قسم کے وہ تصورات کا ہم نے اختیار کیا ان کو اور ان کو پروان چڑھایا. تو اس تک وہ جہاں تک پہنچتے اس میں بہت سارے انہوں نے ظاہر تفصیلات بیان کی ہیں جو سب بہت اہم ہیں. میرا خیال ہے کہ سب سے اہم بات اس کتاب کی یہی ہے کہ اس میں انہوں نے ہر چیز کو بہت منطقی طور پر آگے بڑھایا ہے جیسے کہ وہ ہمیشہ کرتے ہیں, ہر خیال کو اور ہر اس کے سارے فلسفیانہ پہلو جو ہیں ان کو انہوں نے اس پر غور کیا ہے, اس کی جو شہادت ہے وہ ہمارے سامنے دی ہے, مطلب ڈاکیومنٹ کیا ہے اس کو ہر طرح سے. اس میں وہ شعور کا آغاز کیسے ہوتا ہے اس بات پر بات کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں شعور کا آغاز جو ہے وہ اس وحدت کے ٹوٹنے سے ہوتا ہے, جو ایک بچہ جب شعور میں کس وقت آتا ہے جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کا فطرت سے اور ماں کے جسم سے اس کا رشتہ جو ہے وہ ختم ہوا ہے, تو وہ تقسیم اور سنویت پر ہی ہمارے شعور کی بنیاد رکھی جاتی ہے. لیکن اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بازیافت کی آرزو, وحدت کی بازیافت کی آرزو بھی ہمارے اندر جاری رہتی ہے. تو ہمارے اندر جس طرح سے اپنی یہ جو ہماری تو ایک طرح کا ایک کانفلکٹ ہے جو اس کے اور چلتا رہتا ہے, اور سنویت میں ہم مطلب اس میں ایک غیر کا تصور بھی شامل رہتا ہے. اور تو انہوں نے نہ صرف یہ پھر انہوں نے بتایا کہ کون سی جو اپوزیشنز ہیں, کون سے جو بائنریز ہیں جو ہماری اس تصور کے ساتھ, تو جدیدیت کا تصور ہے اس کے ساتھ استعمال ہوتی رہی ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم روایت کو کہتے ہیں روایت اور جدیدیت, کلاسیکیت اور جدیدیت, یا تو ان کے خیال میں کہ جو ہم نے استعمال کیا ہے جدیدیت کو وہ کلاسیکیت کے ساتھ
का लफ्ज इतना इस्तेमाल नहीं हुआ हमारे यहाँ जितना हमारे यहाँ जद यानी रिवायत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और फिर उन्होंने ये भी हमको बताया कि इन सारी ये जो बाइनरी ऑपोजिशंस होती हैं जो इसके बारे में है, मतलब बाद में जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने जिस तरह से इसको पेश किया है, डायरेक्टर ने पेश किया है कि उसमें एक दर्जा बंदी है, उनमें हायरार्की है, वो कोई मसावी हैसियत नहीं रखती, दोनों जो बाइनरीज होती हैं वो मसावी हैसियत नहीं रखती। तो इसी तरह से ये रिवायत और जदीदियत की जो का जो ताल्लुक था आपस में, या जिसको जो बाद में हम यू नो क्लासिकियत या जदीदियत भी हम उसको कहते हैं, तो उसमें एक ज़्यादा है, एक के पास ज़्यादा ताकत है और एक के पास वो नहीं है। तो ये इससे वो शुरू करते हैं और फिर ये बात वो कहते हैं कि रिवायत तो उस वक्त भी मौजूद थी जब जदीदियत नहीं थी और उसके बाद भी मौजूद है, लेकिन रिवायत को हम यू नो जब चूँकि हम सिर्फ बाइनरी से ही समझ सकते हैं कि यानी जिद किसी चीज़ की जो होती है उसी से हम किसी को समझ सकते हैं, तो उस वक्त तक हमें यानी गालिब और बेदिल जिस वक्त लिख रहे थे और दूसरे जो शोरा थे, तो उस रिवायत का तस्वुर हमारे पास नहीं था, लेकिन वो तस्वुर उसके बाद पैदा हुआ है जब वो जदीदियत आई है, तो जदीदियत के हवाले से हमने उस रिवायत को सही तौर पर मतलब पहचाना है। और ये फिर जो उसमें हमारी जो जदीदियत है, जो नौ आबादियाती जदीदियत के तौर पर सामने आई, वो किस तरह से जैसे कि और बाइनरीज में एक जो पार्ट है उसका वो ज़्यादा पुरतशद्दुद होता है, तो इस तरह से हमारा जो तसव्वुर था जदीदियत का वो एक पुरतशद्दुद तसव्वुर था, और जिसने रिवायत को मिटाने की कोशिश की और बिलाखिर रिवायत को उसने मिटाया। तो क्लासिकियत और जदीदियत की मगरबी असलाहों पर बहस की है कि यूनानी अदब को उन्होंने क्लासिकी करार दिया और निशात सानिया के बाद का जो अदब है उसको अपना जदीद अदब करार दिया। तो क्लासिकियत को वो मतलब ताकुल और जब्त से हम मिलाते हैं, जबकि उसके बाद रोमानियत की तहरीकें शुरू हुई और उस तो ये सारी बहसें हमें इस चैप्टर में मिलती हैं, और हम देखते हैं कि किस तरह से फिर एलियट के मज़मून पर भी उन्होंने इससे बहस की है। तो क्लासिकियत के डिस्कोर्स में जदीदियत उसके मद्दे मुकाबिल हमें नज़र आती है, लेकिन ये सनवियत जो है ये एक बिल्कुल खालिसतन उर्दू की सनवियत है कहते हैं, क्योंकि मग़रबी क्लासिकियत को किसी तरह से भी उनकी जदीदियत जो थी उसने उस पर सवाल नहीं उठाए, जबकि हमारे यहाँ जो जदीदियत है वो उन पर सवाल उठाती है, हमारी क्लासिकियत को वो ख़त्म करना चाहती है, जिस तरह से कि हमारे अदीबों ने जो सर सैद के साथ और उनके जो सारा ग्रुप था उन्होंने जिस तरह के रवैये उसके बारे में इख्तियार किए और जिस तरह से जो पॉलिसीज़ थी कॉलोनाइजर्स की उनको टो किया और उनको वो इस तरह आगे बढ़ाया कि उन्होंने रिवायत को एक जो मुकदमा शेर व शायरी में हाल ही ने कहा, जो तौबत नुसू में यू नो डिप्टी नज़ीर अहमद ने सारी यू नो किताबों को कलीम की किताबों को जलाकर जिस बात की तरफ निशानदेही की। तो इसके बाद उनके बहुत सारे इसमें वो हैं कि यानी जदीद जो शोरा हैं उनको हम यू नो कभी अजीम नहीं कहते, और यू नो क्लासिकियत में यू नो ज़बान की लताफत और फ़नी पाबंदियों का ख्याल रखा जाता है और उसकी इस्तनादी हैसियत, तो इस पर जो मबाहिस चलते रहे उसके बाद वो यू नो क्लासिकियत के हक में और यू नो साथ साथ वो हमारी वो नौआबादियाती जदीदियत जो है वो भी चल रही थी, लेकिन अपनी ये जो हमारी मबाहिस में जो लोग शामिल थे उन्होंने इस
इसको रेजिस्ट करने की भी मतलब एक तरह से कोशिश की, और जैसे जैसे मुस्लिम शनाख्त की तश्कील का आगाज़ का ज़माना होता है तो हमें ये नज़र आता है, यानी वो उसके साथ ही होता है जबकि सर सैद और उनका ग्रुप जो है वो उसकी तश्कील करता है। तो हमारे यहाँ उनका उन्होंने जो तफसील पेश की है उसके मुताबिक के क्लासिकी लफ्ज़ जो है वो 1960 से पहले उर्दू तकरीब में आम हुआ ही नहीं था, यानी क्लासिकी का लफ्ज़ नहीं आया था, और इस लफ्ज़ की तारीख़ फिर उन्होंने बताई है कि वो किस तरह से एक बहुत ही चश्मकुशा किस्म की तारीख है, क्योंकि ये क्लासिकियत का तस्वुर ये मतलब कहाँ से आ गया, जबकि बहुत अरसे तक ये नहीं था और रिवायत का लफ्ज़ ही हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा था। तो 1963 में वो कहते हैं उसूल अखलाकियात की एक किताब में सबसे पहले ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो हमारी अदबी तारीखों में इस तरह की कोई जो बहसें हैं वो नहीं मिलती हैं बहुत ज़माने तक, तो 1960 से पहले की उर्दू तनकीद में ये नहीं है। फिर हमें जो इस्तलाहें मिलती हैं वो नया अदब, जदीद अदब, तरक्की पसंद अदब की इस्तलाहें मिलती हैं। तो 19वीं सदी के अवाखिर तक उर्दू अदीबों में नए अदब की तश्कील की यह आरज़ू पैदा हो गई थी, और इसी के साथ साथ जैसे जैसे उनके अंदर यह आरज़ू पैदा हुई लोगों में नया अदब लिखने की, उसके साथ ही नई चूँकि उस वक्त एक नई नौआबादिया की सूरत हाल थी जिसने इस ख्वाहिश को जन्म दिया कि वो अपने जो आका हैं, जो कॉलोनाइजर्स हैं, उनकी उनके ज़माने में वो तरक्की कर सकें, तो वो एक नई जज्बाती और ज़हनी तंजीम की तलाश उन्होंने शुरू की ताकि उनकी समाजी और ज़हनी ज़िंदगी का जो इंतशार पैदा हो गया है कायम मतलब फैला हुआ है उसको कुछ कर सकें। उसके साथ साथ उसके नतीजे के तौर पर भी एक कौमी व अखलाकी अदब पैदा हुआ, और उसके साथ ही क्लासिकी अदब जो हमारा रिवायती अदब है जो जिसको यू नो हाल ही ने जिसकी का इस्तरदाद किया था वो उसकी बाजियाफ्त की कोशिश भी और यू नो हाल ही शब्दी और असर यू नो तनकीद जो लिखी जा रही थी उन्होंने ये इस्तरदाद किया, लेकिन उसका उसके साथ ही पुराने अदब की बका और बहाली की आरजू भी लोगों में पैदा हो गई। तो ये साथ साथ चलते रहे हैं ये दोनों चीज़ें, मतलब ये दोनों बाइनरीज भी एक दूसरे से यू नो मुकाबले में थी और सिलसिला जारी था। उसके हवाले से वो मतलब बहुत सारे हवाले देकर अपनी बात को करते हैं। तो मसूद हसन रिजवी की किताब का हवाला दिया है जिसमें तो एक किताब जो उनकी है जो 1928 में छपी थी और उसका नाम था हमारी शायरी। तो यहाँ पर वो बहस करते हैं इन अल्फाज से जो हम इस्तेमाल करते हैं कि मैं, हम, वो और ये सारे जो अस्माए ज़मीर हैं ये किस तरह से हमारे लिए एक यू नो एक पेचीदगी पैदा करते हैं, हमारे लिए किस तरह परेशान कुन बनते हैं, क्योंकि ये सब गुरोबंदी की तरफ ले जाते हैं। तो जब वो मसूद हसन रिजवी जो हैं वो इस हमारी शायरी लिख रहे हैं तो दरअसल वो इसी एक तरह की ये ग्रोहबंदी कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये हमारी शायरी है जो बाद में आने वाली अदब है, यानी जो नया अदब है वो हमारी शायरी नहीं है। तो जो काम मतलब एक तरह से हाल ही जो कर रहे थे और वो उसके साथ साथ ही ये मुबाहस भी जारी थे कि किस तरह से क्लासिकियत से दिली वाबस्ती रखने वाले वो जो समझते थे कि हमारे तो उनका ये भी कहना था कि हम मगरबी तनकीद से अपनी शायरी को नहीं समझ सकते, मगरबी तनकीद के पैमाने हम उन पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक तरह से उनके वो एक तरह से फ़र्क कर रहे थे इस्तेमारी जदीदियत और वो फ़र्क नहीं कर रहे थे इसमें कि इस्तेमारी जदीदियत क्या है और मकामी जदीदियत क्या है। तो एक मकामी जदीदियत का पैदा होना जो है वो एक उस वक्त तक नहीं हुआ था, लेकिन तो वो ये तसव्वुर पेश कर रहे थे कि हर कौम के जज्बात और ख्यालात जुदा होते हैं और इसी तरह कौम की ज़बान का अंदाज़ बयान अलग है और अलग रहेगा अपनी असल में, जो ख़ुद एक यू नो एक बेहद
एक वहदानी तस्वुर, वहदानी तस्वुर से मुराद है कि एक ऐसा तस्वुर जिसमें कोई तकसीरियत की कोई गुंजाइश नहीं है, जो कसरत पे बिलीव नहीं करता। तो ये भी एक जदीद नौआबादियाती तस्वुर था। ये एक बड़ी मतलब दिलचस्प बात है कि जो अपने क्लासिकियत का हम दिफा कर रहे हैं, दरअसल वो भी जदीद नौआबादियाती तस्वुर जो हैं उनसे उनका दिफा कर रहे हैं। तो मतलब तनवो की नफ़ी हमें इसमें इन सारे तस्वुरात में पाई जाती है। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि हम हमारी ज़बान पर कोई दूसरी ज़बान के तनकीदी जो हैं उसूल वो इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, तो दरअसल हम ये कह रहे हैं कि हम किसी दूसरी ज़बान को के अदब को हम समझ ही नहीं सकते। तो अगर हम दूसरी ज़बान के अदब को समझ नहीं सकते तो फिर तो हर ज़बान का अदब दूसरी ज़बान के लिए तरह से नाकाबले रसाई हो जाता है। तो ये तो एक हकीकत नहीं है, क्योंकि हम तर्जुमों के ज़रिए दूसरी ज़बानों के अदब को समझते हैं। तो उनका कहना यह था कि क्लासिकी शायरी दरअसल कसीर सकाफती अनासर की हामिल है। अगर हम अदब में एक तरह की यकरंगी के एक तस्वुर को कबूल कर लेंगे तो ये भी तस्लीम करना पड़ेगा कि वो सिर्फ अपनी कौम के अफराद के लिए काबिल फहम है और दूसरी कौमों के लिए वो काबिल फहम नहीं है। तो कौम का ये वहदानी तस्वुर के उसके मजमरात जो थे ज़ाहिर बहुत एक तरह से ख़तरनाक भी हैं, और लेकिन वही है जो शायद वहाँ पर हो रहे थे। तो दूसरे कौम के ख्यालात और उलूम और फ़नून अगर हमारे लिए अजनबी हो जाते हैं तो वो हम ये तस्वुर भी पैदा होता है कि ये हमारे लिए ख़तरा है और उनसे दूर रहना भी ज़रूरी है। तो एक तरह की मतलब हमें एक अगेन वो एक दुश्मनी के जज्बात को भी हमें फ़रोग देना है, और ये एक दिफा का तरीका हो सकता है कि हम पहले से एक दुश्मनी का तस्वुर पैदा कर लें एक दूसरे कौमों के साथ। तो कहीं पर हमें ये तहजीबी वहदानियत नज़र आती है और के रवैये नज़र आते हैं, कहीं पर हमें कौमी वहदानियत के रवैये नज़र आते हैं। तो उर्दू की जो क्लासिकियत है उसका एक वो ये जो बहस है उसमें उसका एक बड़ा ही पुशको किस्म का एक तस्वुर कायम करती है, उसकी हिफाजत करती है, और जदीदियत को मगरबी कौम की लाजमी खसूसियत करार देकर उसे दुश्मनी के जज्बात पैदा करते हैं। तो ये इन मबाहिस में से दरअसल एक जदीदियत के ख़िलाफ़ भी एक बहस जारी थी, तो जो और उसकी मकामी सूरत को बिल्कुल बातिल करार दे देते हैं। यानी जो हमारा आज भी रवैया है बहुत सी चीज़ों की तरह, जैसे हम अगर हम फेमिनिज्म की बात करते हैं या पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करते हैं, तो ये सारे रवैये जो हैं ये सारे ख्यालात मगरब से आ रहे हैं, ये जो हैं हमारे यहाँ नहीं ये चल सकते। इस ये जो रवैया है ये उस वक्त भी मौजूद था और ये आज भी मौजूद है। ये क्लासिकियत और जदीदियत की वो बहस जो उस वक्त जारी थी वो भी इस तरह से रद्द करती थी, और उनके मकामी जो इतलाक होता है इन ख्यालात का और जिस तरह से वो असरअंदाज होते हैं उनको करना भी उनके एक तरह से मंशूर में शामिल हो जाता था। इसमें वो एक और बात की तरफ जो हमारे जो रीडर रिस्पांस थ्योरी है या जो हमारे जो जिसकी बेसिस पर है जो रोलाबाद के इस ख्याल पर है कि ऑथर इज डेड, और जिसमें रीडर खुद एक अहम हैसियत अख्तियार कर लेता है। तो वो कह रहे हैं कि अदब की तफहीम और ताबीर में क़री का जो हिस्सा है उसके भी ये जो तसव्वुरात थे जो मबाहिस थे उसकी नफ़ी कर रहे थे किसी तरह। तो मतन का जो बदलते हुए माने होते हैं, क्योंकि मतन उस वक्त तक ही ज़िंदा रहता है जब तक कि उसके माने बदलते हुए मानी जो हैं बदलते रहते हैं उसके, और वो अगर वो उसके कोई भी नस्ल जो है अगर उसके मानी को ना कोई उसको मानी दे सके तो दरअसल वो मतन फिर मुर्दा हो जाएगा है? तो इसके इस हवाले से शम्सुर्रहमान फारूकी के कोट्स उनके इसमें आते हैं, वो मानी जो मतन और कारी के बीच में जन्म लेते हैं वो उसके बारे में बात करते हैं। अदब की तफहीम समाजी तब्दीलियों के साथ बदलती जाती है, तो सिर्फ वही अदब जिंदा रहता है जिसकी समाजी तफहीम हम हर ज़माने में आते हुए ज़माने में हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बहसें चलती हैं, और मीर ग़ालिब की हम नई नई शरहें इसीलिए करते हैं
कि वो मुमकिन है करना, लेकिन अगर माध्यम बदलते ना रहे तो मतन मुर्दा हो जाएगा। तो उन्होंने जैसे मासिद नासिर साहब ने बताया हमें कि शेर शोर अंगेज में शम्स रहमान फारूकी साहब ने क्लासिकी शेरियात का माबाद जदीद तस्वुर इस्तेमाल करते हुए उन्हें समझने की कोशिश की है, क्योंकि इसी तरह नौआबादियाती तनकीद का जवाब दिया जा सकता है। ये कुछ इसमें इस तरह से उन्होंने ये इन मबाहिस को बहुत मरबूत तरीके से ये हमारे सामने पेश किया। तो उसका मतलब था कि हमें हमारा जो तजुर्बा रहा है कि अपनी तारीख और अपनी सकाफत से हमारी बेदखली और माजूली का हौलनाक तजुर्बा, ये उनके अल्फाज हैं जो उसमें कहा गया है, जो जिस पर हम ज़ाहिर बात करें, ये एक हौलनाक तजुर्बा है। तो मासिर जो जदीद सूरत हाल है और हमारी क्लासिकी सकाफत के दरमियान एक गहरा शगाफ है जिसको हम महसूस करते हैं, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये सूरत हाल जदीदियत ने नहीं बल्कि जिसको हम कहेंगे नौआबादियत की जदीदियत, ये उसने पैदा की है। फिर उन्होंने अरबी तनकीद के हवाले से कुछ बातें की हैं और जिसमें के अरब की अरबी की जो तनकीद थी वो हम तक इस तरह पहुंची और उस इस तनकीद की अहमियत जो हमारी क्लासिकी रिवायत की को तो समझने के लिए अहम है उस पर बात की है। तो अरबी नकाद जो थे वो इस बात को समझते थे कि क्या उसका एक बहदानी तस्वुर उसका भी पेश किया गया था हमारे यहाँ, लेकिन वो कहते हैं कि अरबी की जो तनकीद हम तक पहुँची उस पर यूनानी असरात हैं, तो उन यूनानी असरात को अगर हम उसका इनकार करते हैं तो दरअसल हम उस तनकीद का भी एक बैदानी तस्वुर पेश कर रहे हैं। क्योंकि ख्याल ये बिल्कुल इस तरह से रिलेटेड है, अगर हम देखें कि हर चीज़ हाइब्रिड एक वजूद रखती है, कोई भी खालिस वजूद नहीं है, तो ये खालिसियत का एक तस्वुर जो है ये एक गलत है कि ये हमारा है और तुम्हारा है। लेकिन जब भी कोई मतलब इस्तबदाद की सूरत हाल होती है तो उसमें यही रवैया है जो इख्तियार किया जाता है हम लोग यही। तो फिर एक उन्होंने जो हवाला दिया जो बहुत दिलचस्प है वो मोहम्मद उमर मेमन के का हवाला है, जो उन्होंने बोरखेस के एक अफसाने का तर्जुमा करते हुए उसकी तमहीद के तौर पर लिखा है, और जो इब्न रुश्द के बारे में वो अफसाना जो है वो इब्न रुश्द के बारे में है जो बैठा हुआ सोच रहा है कि ट्रेजिडी और कॉमेडी के अरबी तराजम के सिलसिले में परेशान है कि किस तरह से इनको का वो तर्जुमा करे। तो उसे और जिस वक्त वो ये सोच रहा है उस अफसाने में जिस वक्त वो ये सोच रहा है तो बाहर जो है एक नाटक बच्चों का जारी है और बच्चे खेल खेल में तरह से एक नाटक कर रहे हैं और जिसमें हमें एक खासी एक तनवो नज़र आता है उनके ज़माने में। तो कहने का मतलब ये था कि जो बात कही गई जो मोहम्मद उमर मेमन ने भी लिखी कि हम जिंदगी हम जिन बातों के मानी जो हैं वो निकालना चाहते हैं यानी मतून के मानी जो हैं हम दूसरे मतून से निकालना चाहते हैं या फलसफे से निकालना चाहते हैं, दरअसल वो सारे मानी जो हैं वो हमारे ज़िंदगी के आम जो मज़ाहिर हैं उनसे निकाले जा सकते हैं। अगर हम सिर्फ ज़िंदगी की तरफ गौर से देखें तो मतलब बहुत पेचीदा मतून जो हैं वो हमारे लिए आसान बन सकते हैं और वो हमारी रहनुमाई कर सकते हैं उनके हल के लिए उनकी मानी के लिए। तो हमें ये कहना चाहिए कि हमें अपनी मासिर जो हकीकी सूरत हाल है उसमें हम अपने जो मतून हैं उनके मानी को तलाश करें और उनकी पेचीदगियों को हल करने की कोशिश करें। और भी मेरा ख्याल है कि जो मेरा ख्याल है पॉइंट पे मैं आ जाती हूँ, तफसीलात तो बहुत सारी हैं क्योंकि नासिर साहब का कमाल ये है कि वो इतनी सारी चीज़ों को मुख्तलिफ जगहों से लेकर और उनको जिस तरह जोड़ देते हैं उनमें रब पैदा कर देते हैं वो एक कमाल है, जो जिससे हमें एक बिल्कुल एक वाज़ह किस्म की सूरत हाल हमारे सामने आती है। और उस तो उन्होंने मतलब
मिरात उश्शोरा मौलाना अब्दुल रहमान की तस्नीह जो 1926 में शाये हुई उसको उसमें उन्होंने उसके बारे में बात की। इसके बाद कि उर्दू शायरी की जड़ दरअसल अरबी शायरी है और उस पर बहस हुई, तो इस तरह के मबाहिस का मेरे ख्याल आखिर में जो बात उन्होंने कही है वो यही है कि हम शायद वो जो हमारी नौआबादियाती जदीदियत थी हमने उसका जोर जो है वो तोड़ दिया है और शायद एक 1960 से एक नई हमारी अपनी एक जदीदियत की एक शाख या एक हमने मकामी उसने एक सूरत इख्तियार कर ली। और इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने इन बहसों में जिन ख्यालात को शाये किया, जो तनकीद आजकल मैं जदीदियत से शायद जो समझ रही हूँ मॉडर्निटी की बात करें, जो हमारी तनकीद है मॉडर्निटी पे, और या मगरब में जो उसकी तनकीद माबाद जदीद जदीदियत के हवाले से हो रही है, खाले कि हम कुछ ये भी कह सकते हैं कि हम एक माबाद जदीद दौर में दाखिल हो गए हैं जिसकी वजह से हम अपनी क्लासिकी जो अदब है उसकी बाजियाफ्त के लिए ज़्यादा कोशा हैं। और ये जो जदीदियत की नई फॉर्म है जिसके तहत एक बात उन्होंने जो उसमें ख़ास कही थी वो कि शायद मिरात उश्शोरा में या किसी और किताब में ये बात भी कही, ये पेशीन गोई की गई कि अब तो हो सकता है कि कल लोग नसर को भी शायरी समझने लगें, तो नसरी नज़्म की भी पेश गोई वहाँ पर कर दी गई थी। यानी जो मेरा ख्याल क्लासिकियत के चाहने वाले थे वो ये कह रहे थे कि हम उससे इतना दूर जा रहे हैं अपने उस अदब से कि शायद नसरी नज़्म भी हो जाए, और अब हम देखते हैं कि नसरी नज़्म वाकई आ गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि शायद नासिर अब्बास नैयर ये बात इस तरह से कहें कि हम अब एक जदीदियत के एक दूसरे दौर में हैं, एक माबाद जदीद दौर में हैं जहाँ पर हम इन सारे ही जो ग्रैंड नैरेटिव्स महाबाद बयानिए हैं उनको हम मुस्तरद कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ हमारा माजी भी एक तरह से जिंदा हो रहा है और शायद कोई बेहतर सूरत हाल हमारे लिए पैदा हो जाए और हम अपने क्लासिकी अदब से दोबारा जुड़ जाएं और अपनी जदीदियत को भी खतरे में डाले बगैर हम जदीद भी रहें, क्योंकि जदीदियत भी अपने अंदर कोई बंद चीज़ नहीं है और क्लासिकियत भी अपने अंदर कोई बंद चीज़ नहीं है। तो ये जो दोनों बाइनरीज हैं ये दरअसल आर्टिफिशियल बाइनरी है और इस बाइनरी को हम जोड़ सकते हैं और इसकी आर्टिफिशियलिटी जो है उसको मतलब ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि शायरी अदब वो भी है और शायरी अदब वो भी है जो हमने उसके बाद तख्लीक किया। बहरहाल नौ आबादियाती जदीदियत जो थी उसके जो शदीद असरात थे उससे तो हमारी कौम हमारी लोग गुजर ही चुके हैं, तो उससे तो उसका तो कोई अजाला शायद नहीं किया जा सकता, लेकिन अब एक नए किस्म की जदीदियत को ज़िंदा किया जा सकता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनवीर। सजाद, अब ये मैं आपके हवाले करता हूँ, बाकी जो तमाम कार्रवाई अब आप सर अंजाम दीजिएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि मेरे जो दो सवाल हैं मैं प्रशांत केशव मूर्ती के दो सवाल से जोड़ देता हूँ, लेकिन अब तक के गुफ्तगू से तो जाहिर ये है कि एक नशिस्त नाकाफी है इस किताब पर। खैर, मेरे जो दो सवाल हैं वो एक तो और फिर इसमें यह है कि मुदाखले के तौर पे एक थोड़ा बहुत यानी रद्दियत का भी काम करना चाहिए और क्रिटिसिज्म का हम में भी काम करना चाहिए। तो इसमें यह है कि पहला जो नुक्ता या सवाल जो मेरा यह है कि मूल तौर पे हलकों में इतराफ़ किया जाता है कि रद्द नौआबादियत में दो किस्म के ख़तरे दरपेश हैं। पहला ख़तरा यह है कि आप अपने डीकोलोनियालिटी के मकसद में आप जदीदियत का सहारा ले लें और जदीदियत बतौर खुद बजाते खुद
एक नौबादियत का एक पहलू है, ये पहला ये खतरा है। दूसरा जो दूसरी तरफ से खतरा वो ये है कि आप रद नौबादियत के मकसद में एक तरह से ऑथेंटिक नेटिविज्म में बिल्कुल जकड़ जाए और ये समझें कि जो हमारी जबान, जैसे तनवीर साहिबा ने कहा था, हमारी शायरी में एक खासियत है जो बिल्कुल ही यूनिक है और मुख्तलिफ है। तो ये दो किस्म के खतरे हैं मेरे ख्याल में, और सवाल ये है कि इससे हम यानी निजात कैसे पा सकते हैं। दूसरे सवाल ये है जो प्रशांत ने भी किया था और मेरे भी जहन में आया था कि इस पूरे नक्शे में मेटाफिजिक्स का क्या दौर है, क्या क्या किरदार है इसमें, और बिलखसूस इरफान और तसव्वुफ का, क्योंकि बहुत से जो मिसालें जो दी गई थी, मसलन बशर मरकजियत या एक इनफरादियत था या नज़रिया तरह से खामोशी भी नज़रिया फ़र्द नज़रिया नफ्स जो ख़ासतौर पर बेदिल में पाया जाता है, थोड़े बहुत जहाँ तक मुझे पता है गालिब में जो भी पाया जाता है, उसका ताल्लुक बहुत ही गहरा ताल्लुक है मकतब शेख मोहिद्दीन से, यानी इब्न अरबी के मेटाफिज़िक्स से। तो एक तरह से हम इन पहलुओं को जदीदियत क्यों समझ रहे हैं, जबकि आसान जो हल ये होगा कि उसमें उसको तसव्वुफ से जोड़ लें और जो तसव्वुफ की रवायात हैं बिलखसूस जो मेटाफिज़िकल रवायत हैं उनसे जोड़ें। तो ये दो मेरे सवाल हैं और मैं मज़ीद वक्त नहीं लूँगा, तो नासिर साहब के तरफ वापस माइक। अच्छा, मैं ख्याल कर रहा था शायद आप ये सिर्फ सवाल कर रहे हैं, मुझे जवाब नहीं देना, तो मैं बड़े इत्मीनान से बैठा था। एक तो आपका और प्रशांत साहब का बहुत शुक्रिया कि इतनी तवज्जो से उन्होंने इन चैप्टर्स को पढ़ा। मैं अगर इन सवालों के सिलसिले में ये कहूँ कि इन सवालों से तारुज किया गया है इस किताब में, वो पूरी तरह, यानी कि पहला जो आपका सवाल था कि ये जो दो खतरे हैं, ये दो खतरे शुरू से ही जब आदमी इस मौजू पे काम करने लगता है तो उसे इन खतरात का एहसास होता है कि जब आप रद्द नौ आबादियात कम की तनाजुर में अपने अदब का, अपनी ज़ुबान का या अपनी तारीख का या दूसरे जो मज़ाहिर हैं आपकी तहजीब के, उनका मुताला करते हैं, तो ये दोनों खतरात सामने आते हैं। अब उन खतरात से, असल सवाल ये कि उन खतरात से इस किताब में कैसे निपटा गया है, इसका जवाब तो वो किताब में बहुत तफसील से मौजूद है और यहाँ भी कुछ गुफ्तगुएं हुई, शाहजेब साहब ने भी उसकी तरफ इशारे किए। देखें, मैंने इस जदीदियत को ज़्यादातर जो रखा है वो रखा है आर्ट और अदब की सतह पर। मेरे ख्याल में आर्ट, अगर हम देखें, आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो तमाम दुनिया में एक कॉमन चीज़ है। अगर कोई कॉमन हेरिटेज पूरी इंसानियत की हो सकती है तो वो आर्ट होता है। अब वो आर्ट में, यानी मैं अगर अदब से ज्यादा इसलिए लफ्ज इसको तरजीह दे रहा हूँ कि इसमें वो बाकी भी आ जाते हैं, और खुद अदब भी, सारा अदब जो होता है उसमें वो आर्ट नहीं आता। बस बहुत सा अदब होता है जिनमें कौम के तसव्वुरात, तसव्वुफ के तसव्वुरात, अखलाकियात के तसव्वुरात रहते हैं, तो वो अदब अपनी जो आर्टिस्टिक उसकी जो रूह है उससे वो दूर हो जाता है। अब जब हम कहते हैं कि आपने इनको तसव्वुफ से और इरफान से क्यों नहीं जोड़ा, इसका मतलब ये कि आप गालिब का और बेदिल के शायरी का एक जो सिलेक्टिव हिस्सा है उसको ले रहे हैं। मेरे लिए बुनियादी तौर पर वो शायर है। अब गालिब अगर ये कहे कि मिटता है फौत फुर्सत हस्ती का गम कोई, उम्र अजीज सरफ इबादत ही क्यों ना हो, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं इसको खालिस शायरी उसके तनाजुर में क्यों ना देखूँ, इसको मैं अपने तसव्वुफ की उस ज़ैल में ले जाऊँ। तो लिहाजा मैंने ये इसलिए मगरबी जदीदियत पर भी जब मैंने लिखा है तो जब मैंने फ़र्क किया है कि मगरब की जो फलसफियाना जदीदियत है और जो उसकी जमालियाती जदीदियत है, इन दोनों का अगरचे सरचश्मा एक है लेकिन ये एक तरह की सेल्फ क्रिटिक का किरदार अदा करती है। जितने मगरब के जदीद आए, बेशतर जो डाडाइज्म की तहरीक आई, सुरियलिज्म की तहरीक आई, और निचे की खास तरह जो किताब है ट्रेजडी बार जो किताब है जिसका इसमें बहुत तफसील से द बर्थ ऑफ ट्रेजडी उसका जिक्र है,
उसमें अगर आप देखें तो वो सारी मगरब की जो फलसफियाना जदीदियत है या साइंटिफिक जदीदियत है वो उस पर तनकीद का दर्जा रखती है, इसलिए कि जिसको आप क्रिएटिव प्रोसेस कहते हैं या अफजाल साहब ने कहा कि जमालियात, जो जमालियात की तख्लीक का अमल है वो बहुत सी जो बाउंड्रीज को तोड़ने का है, बाउंड्रीज को फ्लूइड बनाने का अमल है। तो वो बाउंड्रीज तसव्वुफ की हों या किसी भी तरह की सेकुलर या सेक्रेट आइडियोलॉजी की हों, आर्ट उनको तोड़ता है। इसलिए मेरा जो सारा सरोकार इस किताब में रहा है वो उस आर्ट में आने वाली जदीदियत, इसलिए मगरब की जदीदियत का वो पहलू भी मैंने वो लिए हैं और उनका भी जिक्र किया है और जो मशरक के लोग हैं उनका भी लिया है। अब जाहिर है ये मैं मानता हूँ कि जो मशरक के जिन शोरा का मैंने जिक्र किया उनके यहाँ ये इरफान और तसव्वुफ मौजूद हैं, लेकिन वो उसका एक हिस्सा है। दूसरी वजह यह भी है कि खासतौर पर जो क्लासिक की पीरियड के शोरा थे उनके अंदर जिसको अब रवादारी कहते हैं, गालिब का मैंने अगर इस चैप्टर का है जो गालिब का उसका आखिरी मैंने जहाँ खत्म किया है वो पढ़िए, तो उसमें गालिब अपने खत में भी लिखते हैं कि वो जो है एक बतौर तख्लीक कार के वो तमाम जो शनाख्तें हैं उससे ऊपर हैं। अब मुश्किल ये कि जदीद अहद में, और ये हमें मगरब से ही सीखा है कि हमने हर चीज को एक सिंगल आइडेंटिटी देना चाहते हैं। हम कहते हैं कि अगर ये जो बेदिल है उसके यहाँ अगर ये तसव्वुफ के असरात हैं और तो आप कैसे बुद्ध के असरात तलाश कर रहे हैं, बुद्ध में तो रूह का तसव्वुर नहीं है और वो रूह का भी पेश करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेदिल के यहाँ ये सारी चीजें मौजूद है। मैं ये नहीं करता कि बेदिल जो है उसके यहाँ तसव्वुफ नहीं है, बेदिल के यहाँ खुदा का इनकार नहीं है, लेकिन बेदिल के यहाँ वो दूसरी चीजें भी हैं, क्योंकि उन्होंने आर्ट का उस वक्त जो तसव्वुर दिया था वो एक तरह का वो उसकी बाउंड्रीज हार्ड नहीं, तो उसमें जो सारी चीजें आ जाती थी। और ये मैं समझता हूँ जिसकी तरफ शाहजेब साहब ने कहा कि इंसानी वजूद का, तो जिसको हम इंसानी वजूद कहते हैं वो सिर्फ उसकी कोई एक शनाख्त नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमान हिंदू बुद्ध जैन फला फला नहीं है, पाकिस्तानी इंडियन फला फला नहीं है। जब उस वजूद की सतह पर आते हैं वो इंसानी वजूद है और उसमें बहुत ज्यादा बेशुमार इम्कानात हैं और दुनिया के बेशतर मजहब उन इम्कानात को लिखते हैं। तो अदब जो होता है या आर्ट होता है वो उन इम्कानात को वो सामने लाता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये भी एक रद्द नौबादियात मेरे नजदीक ये है कि आप ये जो जिन बाउंड्रीज हमें जोड़ दिया गया है और हम सिर्फ एक एक लेंस से चीजों को देखते हैं, तो वो हम उससे यानी हटकर एक जो कॉमन एक हेरिटेज बनती है एक इंसानियत की ह्यूमैनिटी की उसको एक देखें। ये बहरहाल इसके अंदर जो थ्रेड चलता है वो ये मैंने कोशिश की है कि और ये जाके हम अपने अदब को आर्ट को एक इंसानी कोशिशों को उस सतह पे जा देखें। जदीदियत को मैंने इसलिए ये सवाल था जदीदियत का मैंने ये क्यों लिया, इसलिए कि जदीदियत ने खास तौर पर वो खा हमारे मशरक के जदीद हूँ मैं समझता हूँ गालिब के इसके अलावा भी चीजें हैं, मैंने उसको जो उसका आप देखिएगा पूरा यानी गालिब पे जो बड़ा लंबा चैप्टर है कि गालिब किस तरह वहां से इब्तिदा से लेकर उसके यहाँ जुबान को कैसे वजूद के तौर पर लेते हैं, अमीर खुसरो तक वो कैसे जाते हैं और फिर वो बेदिल तक कैसे जाते हैं, फिर खुद उनकी जो थी वो उसके अंदर क्या थे, वो अंग्रेजी इस्तेमार पर बाकायदा तनकीद भी करते हैं, तो वो उनके यहाँ वो चलती हुई फिर आगे हमारे यहाँ रफ्ता रफ्ता जो 1960 की जदीदियत आती है वो उसमें हमें एक थ्रेड वो मिलता है। तो मेरा ख्याल है ये भी एक रद्द नौबादियाती मेरे नजदीक तो है कि आप एक जो एक मुश्तरका एक इंसानी विरासत है जो अदब और आर्ट की सूरत में उसके जरिए ये करें, क्योंकि जो बहुत से जब बहुत से हम जो इस्तलाहें जिनमें बात करते हैं वो सारी मगरब की या कलोनियल पीरियड की जिसको आप मॉडर्न पीरियड कहते हैं, तो बहरहाल एक मैंने अपने तौर पर कोशिश की है कि इनसे हटकर, और वो हमारे यहाँ चूंकि पहले कुछ मिसालें मौजूद थी तो इसलिए, और ये मैं आखिर में जरूर अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जाहिर एक इंसान की कोशिश है, ये एक इंसान की कोशिश है, इसमें गलतियां भी हो सकती हैं और एक पहलू से मुतालिया किया गया है वो दूसरे पहलू से भी कोई दूसरे मुतालिया किए जा सकते हैं। अब मैं आपका पता नहीं शायद दूसरा सवाल भूल गए हूँ अपनी राव में, तो अगर मैं कुछ नहीं जवाब दे सका तो आप जरूर मुझे कीजिए, क्योंकि वो ये भी ख्याल था कि इतना तवील हो गया तो मैं नहीं चाहता था कि मैं बहुत लंबी अब दोबारा बात करूँ। नहीं मेरे ख्याल में काफी, लेकिन दूसरों के भी मेरे ख्याल में कुछ नुक्ते सवालात हैं जिनका शायद आप जवाब देना चाहें तो। जी जी वैसे सज्जाद अब ये या बहुत लंबा खिंच गया, बहुत लंबा हो गया, अब 5 मिनट हैं 11 बजने में, यानी कि तकरीबन 2 घंटे हो गए हमारी गुफ्तगू चलते हुए, तो अब मेरे ख्याल में सवाल तो बहुत सारे हैं, बस 70 से ज्यादा तो उधर कॉमेंट्स हैं, सवाल तो बहुत सारे हैं और ये जाहिर है बहुत ही सिरासिल गुफ्तगू है, और जैसे आप कह रहे थे सज्जाद ये तो
काफ़ी अरसे तक चल सकती है, मगर बदकिस्मती से अब हमको ये ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि वरना फिर ये, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ये प्रोग्राम इसके बाद देखते हैं, अगर किसी ने देखा कि ये 2 घंटे से ज़्यादा का प्रोग्राम है तो वो नहीं देखेंगे। सो मैं चाहता हूँ कि इस गुफ्तगू से जितने ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हों, मेरे ख्याल में अब इसको हमें ख़त्म करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, नासिर अब्बास नैयर साहब, अफजाल साहब, डॉक्टर शाहजेब, डॉक्टर तनवीर और सज्जाद तो मेरे साथ मेज़बान है। सज्जाद आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मज़ीद कुछ नहीं, वैसे काफ़ी वक्त हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सबका। सवालात तो मेरे भी बहुत थे, मगर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया।